Hello everyone, welcome to Saroshi Classes. So in this lecture, we are going to read Class 11 NCERT History's theme, Chapter number 2, that is Writing and the City Life. So what do you mean by this? You know, why we are going to learn this? Let's have a look at it. So city life began in Mesopotamia. Okay, so city life has begun in Mesopotamia, and the land, this is the land between the two rivers like Euphrates and the Tigris River, which is now the part of the Iraq. Now you have to do one thing, you have to locate it. आपको ये क्या करना है, ये जो दो रिवर्स है इसको आपके एटलास खोलना है और वहाँ पे इराक जो है वो ढूंढना है और वहाँ पे ये दो रिवर्स का लोकेशन जो है वो लोकेट करना है. मेसोपोटामियम civilization is known for its prosperity, city life, its voluminous and rich literature and its mathematics and astronomy. तो मेसोपोटामिया जो है वो जो है उसकी जो prosperity थी, जो उसकी जो city life थी, इसका जो voluminous और rich जो वहाँ पे जो literature था उनका, जो mathematics था, astronomy थी, इन सारी चीज़ों के लिए वो फेमस था. मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया की जो writing system थी और जो literature था वो जो था वो ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्दर्न सीरिया, टर्की वगैरह इन सारी चीज़ों, इन सारी जगहों पे वो स्प्रेड हो चुका था 2000 BCE के बाद. सो द किंगडम्स ऑफ दैट एंटायर रीजन वेयर राइटिंग टू वन अनादर. सो इस वजह से क्या था, इनका जो राइटिंग सिस्टम वगैरह जो था वो इतना ज़्यादा डेवलप था, इस वजह से वो एक दूसरे को जो है वो राइटिंग करते थे, लिखा करते थे, जो कहते हैं ना खत लिख दिया या ऐसा ऐसा चीज़ें. तो जो है फैरोह ऑफ इजिप्ट इन द लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया. सो जो इजिप्ट का जो फैरोह होता था उसको भी ये खत लिखा करते थे. देन हियर वी शैल एक्सप्लोर द कनेक्शन बिटवीन द सिटी लाइफ एंड द राइटिंग एंड दे लुक एट सम आउटकम्स ऑफ द सस्टेन ट्रेडिशन ऑफ writings. Now what do you mean by the name Mesopotamia? This name Mesopotamia has derived from Greek words mesos meaning middle and potamos meaning the river. देखिए क्या है, ये जो Mesopotamia जो word है वो दो words से मिलकर बना हुआ है, जो Greek word से meso का मतलब होता है middle और potamia का मतलब होता है river. तो ये दोनों मिलके हो गया Mesopotamia. Mesopotamia हमने अभी देखा जो दो रिवर्स के बीच में है जो लैंड, उसको मेसोपोटामिया उन्होंने कहा है. वो दो रिवर्स कौन सी है, यूफ्रेटस और टिग्रीस. ओके, नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री द लैंड मेनली द अर्बनाइज साउथ दैट वी आर वी विल सी हियर व्हाइल वी आर डिस्कसिंग दिस. सो दिस लैंड वॉज कॉल्ड समर एंड अकार, रिमेंबर. सो दिस लैंड वॉज known as Sumer and Akkad. After 2000 BCE, when the Babylon became an important city, the term Babylonia was used for southern region. Okay, तो 2000 BCE के बाद में ये जो समर और अकान का जो region है उसको ये लोग जो है Babylon कहने लगे, और this Babylonia term was used for the southern part. Okay, so from about 1100 BCE, when the Assyrians established their kingdom in the north, the region became known as Assyria. Okay, अभी असीरिया के जो है लोग है, असीरिया जो है, असीरियंस जो है, वो अगर उनका किंगडम एस्टेब्लिश करते हो तो ऑब्वियसली उनके किंगडम का नाम क्या होगा, असीरिया ही होगा, राइट. सो द फर्स्ट नोन लैंग्वेज फॉर द लैंड वॉज सुमेरियन, रिमेंबर दिस. तो पहली जो, सबसे पहली जो उनकी जो नोन, मतलब हमें जो लैंग्वेज उनकी जो नोन है, उन्होंने जो यूज़ की थी तो वो होगी सुमेरन. So it was gradually replaced by Akkadian around 2400 BCE when Akkadian speakers arrived. Okay, तो बाद में क्या हुआ, जब Akkadian जो लोग वहाँ पे आ गए तो क्या हुआ, ये Sumerian जो language थी वो replaced हो गई Akkadian से. Okay, so this language flourished till about Alexander's time, that is 336 to 323 BCE, with some regional changes occurring. So from 1400 BCE क्या हो गया, Aramaic also trickled in. So ये Aramaic language जो है वो भी वहाँ पे फिर flourished होने लगी. So this language similar to the Aramaic जो थी वो Hebrew language की similar है, and it has become widely spoken after the 1000 BCE. It is still spoken in the part of Iraq. तो Aramaic जो language है वो अभी भी Iraq के कुछ parts में जो है use की जाती है, spoke की जाती है, बोली जाती है. Then
Archaeology in the Mesopotamia. Okay, now listen, now just read something about the archaeology in the Mesopotamia. So this has begun in 1840 at one or two sites including Uruk and Mari. Okay, now excavations continued for decades and no Indian site has ever seen such long-term projects. This was the point, you should remember this. Then not only can we study hundreds of Mesopotamian buildings, statues, ornaments, graves, tools and seals as sources, there are thousands of written documents. देखिए यहाँ पे जो है वो thousands of written documents भी मिले हैं archaeologists को. Mesopotamia was important to the Europeans. So ये जो Mesopotamia है जो है वो Europeans को बहुत important थी ये site, because जो references to it in the Old Testament, the first part of the Bible. Okay, तो इसके जो references है जो वो Christianity है basically Europe में, right? So तो उनका जो धर्म ग्रंथ है Bible, तो Bible में इसके जो है references जो Old Testaments वगैरह जो Mesopotamia के जो references है वो मिलते हैं. इसकी वजह से this Mesopotamia was more important to Europeans. For instance, the book of Genesis of the Old Testament refers to Shemer. So, ये शीमर मतलब क्या है? शीमर means summer as a land of brick-built cities. Travelers and scholars of Europe looked on the Mesopotamia as a kind of ancestral land, and when the archaeological work began in the area, there was an attempt to prove the literal truth of the Old Testament. तो ये है इसके बारे में. तो आगे क्या हुआ? चलो देखते हैं आगे क्या हुआ. तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जो बाजू में क्या लिखा है वो जरा पढ़ लेते हैं. तो क्या है? According to the Bible, the flood was meant to destroy all life on the earth. देखिए अभी ये जो है बाइबल जो है वो क्रिश्चियनिटी का धर्म ग्रंथ है, और यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है? Flood was meant to destroy all life on the earth. However, God chose a man, Noah, to ensure that life could continue after the flood. Noah built a huge boat and ark, and he took a pair each of all known species of animals and birds on board, and the ark which survived the flood. तो ऐसा उन्होंने कहा है कि जो है जो पूरा मतलब जो जो फ्लड आता है, जो पूरा की लाइफ जो है अर्थ की उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए फ्लड आता है, और गॉड क्या करते हैं कि गॉड किसी आदमी को चूज करते हैं तो लाइफ को सेव करने के लिए. तो फिर वो आदमी क्या करेगा कि एक बोट लेगा और उसमें जो है वो कुछ कुछ जो स्पीसीज है, जैसे एनिमल्स की कुछ स्पीसीज होगी, बर्ड्स की कुछ स्पीसीज हो गई, इन सबको वो अपनी साथ लेगा. तो देयर वॉज अ स्ट्रिकिंगली सिमिलर स्टोरी इन द मेसोपोटामियम ट्रेडिशन वेयर द प्रिंसिपल कैरेक्टर वॉज कॉल्ड ज्यूसुत्रा और उत्नापिसिज्म. ओके, तो ये तो ये जो है ये जो हमने अभी स्टोरी जो देखी ये है क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ जो है बाइबल उसमें है, और मेसोपोटामियम ट्रेडिशन जो है उसमें भी सेम कैरेक्टर्स है, सेम स्टोरी है ऑलमोस्ट. तो जो है वो प्रिंसिपल कैरेक्टर जो है उसका वहाँ वो उसका नाम जो है ज़ीरुसुद्रा और उत्नापिसिज्म. ओके, तो हम यहाँ पे देख ही लेते हैं, ये जो मैप दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो है वो मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे लेबनन, यहाँ पे जो है ये यूफ्रिस और टाइग्रिस रिवर्स आप देख सकते हैं, और इसके बीच में का जो रीजन होगा वो होगा मेसोपोटामिया. अच्छा, फिर ये हमने देख लिया, यहाँ पे है बेबीलोन, यहाँ पे है उरुक, यहाँ पे है उर. तो आप मतलब ऐसे रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है वो इंडिया है, ये हो गई इंडस रिवर, फिर इसके बाद में यहाँ पे आ गया अरेबियन सी, फिर ये हो गया पर्शियन गल्फ, अभी ये हो गया पर्शियन गल्फ, और फिर बाद में जब हम ये ईरान वगैरह को क्रॉस करते हैं यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो यहाँ पे ये जो दो रिवर है यूफ्रेटिस और टाइग्रिस, और इसके बीच में जो एरिया है ये है मेसोपोटामिया, ये है प्रेजेंट है इराक, और फिर बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्की है, ऊपर है ब्लैक सी, कैस्पियन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एराल सी, यहाँ पे जो है ये डेजर्ट ऑफ अरेबिया है, और ये है रेड सी, और इधर बाजू में हो गया नाइल रिवर नाइल, और ये हो गया इजिप्ट. तो हमने अभी इसका लोकेशंस जो है इन सारी चीज़ों का हमने देख लिया है. आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स, इफ यू आर नॉट एबल तो आप इसको फिर से देख सकते हैं अपने एटलास में. ओके,
So from the mid 19th century, okay, so before moving forward, what I want to tell you is that यहाँ पे जो है वो जो क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ है वहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि बाइबल में ऐसा कहा गया है कि फ्लड आता है मीन टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. तो ऐसा है कि इवन द हिंदू माइथोलॉजी में भी ऐसा ही है, कुछ ऐसा है कि जब जब धर्म की जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब अधर्म की ग्लानि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो मैं आऊँगा, जो खुदा कहता है, जो परवरदिगार है वो कहते हैं कि मैं धरती पे आऊँगा और इन सब चीज़ों को ख़त्म करूँगा. तो जो है गीता में भी यहाँ ऐसे दिया हुआ है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य आगे का क्या है मैं भूल गई, लेट मी रिमाइंड. ओके, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. इसका मतलब ये है कि जब जब धरती पे अधर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो है वो अधर्म मतलब क्या हो गया, अभी अभी फ़िलहाल क्या है, यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों को निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये सब चीज़ें जब होती है तब तब मैं धरती पर अवतरित होऊंगा, ऐसा भी यहाँ पे कहा गया है गीता में. और आपको पता भी होगा जब 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 भगवान श्री कृष्ण जब उनकी जब मृत्यु हुई थी तो ऐसा है कि वहाँ पे 7 दिन तक मतलब बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह आया था और सब तूफान वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई थी. और जो द्वारिका जो है वो द्वारिका जो सिटी थी वो पूरी मतलब अंडर फ्लड आके पूरी वो डूब गई थी. तो अभी भी उसके जो अवशेष है वो लोग जो है गुजरात के बाजू में वो जो द्वारिका का लोकेशन है वहाँ पे इंडिया में रिसर्च उस सब चीज़ों की चल रही है. तो एनीवेज, तो इन सब बातों में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेट्स फोकस हियर. सो फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी देयर वाज नो स्टॉपिंग द एंथुसियाज्म ऑफ एक्सप्लोरिंग द एंशिएंट पास्ट ऑफ द मेसोपोटामिया. इन 1873 अ ब्रिटिश न्यूज़पेपर फंडेड एन एक्सपीडिशन ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम टू सर्च फॉर अ टैबलेट नैरेटिंग द स्टोरी ऑफ फ्लड मेंशन इन द बाइबल. तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो बाइबल हो गया या क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ हो गया, इसमें भी ये स्टोरी ऑफ फ्लड जो है वो लिखा गया है. मेसोपोटामिया को जो है वो वहाँ पे भी सेम थिंग्स जो स्टोरी है वहाँ पे भी सेम थिंग्स है. और इवन द गीता वगैरह में भी ऐसा ही कुछ लिखा गया है. बाय द 1960s इट वॉज अंडरस्टूड दैट द स्टोरीज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट्स वर नॉट literally true, but many have been ways of expressing memories about important changes in the history. Gradually, archaeological techniques became far more sophisticated and refined. Attention was directed to different questions, including restructuring the lives of ordinary people, establishing the literal truth of biblical narratives receded into the background. Much of what we discuss subsequently in the chapter is based on these studies later. So आपने ये देख लिया होगा, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ध्यान से इसको अपने छाप लीजिए अपने माइंड में. तो आपको जो कभी कहीं भी आपने आईज क्लोज कर दिए तो आपको ये इमेजिन होना ही चाहिए, ब्लैक सी की लोकेशन कहाँ है, मेडिटेरियन सी कहाँ है, कौन कौन सी कंट्रीज की जो बॉर्डर है इसको टच करती है, कौन कौन सी कंट्रीज जो है लैंडलॉक है, ये सारी चीज़ें आपको मतलब होनी चाहिए आपके माइंड में. जैसे आईज क्लोज कर लिए और ये सब इमेजिन हो गया, इतना आपको इसका प्रैक्टिस करनी है. एक दो बार आप ये वीडियो को देख भी लेंगे तो भी आप यू मे बी एबल टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स. ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी. तो बेसिकली हमने पहले ही देखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, मैंने जो है वो ज्योग्राफी के सॉरी जो 11th और 12th के एनसीईआरटी के जो है हमने जो चैप्टर्स करे हैं तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री के, वो आप देख लीजिए, उसको कोर्सेस वो है अवेलेबल इस चैनल पे, तो आप देख लीजिए. तो उसमें हमने देखा है कि जो है जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका जो है कुछ ना कुछ कनेक्शन ज्योग्राफी से होगा, और ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो हमको हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. ये दोनों चीज़ें हैं वो जो है इंटरडिपेंडेंट है. तो चलो अभी देखते हैं मेसोपोटामिया और इट्स ज्योग्राफी के बारे में. Iraq is a land of diverse environments. In the northeast lie green undulating plains gradually rising to tree-covered mountain ranges with
clear streams and wild flowers with enough rainfall to grow crops. Here, agriculture began between 7000 and 6000 BCE. Remember, जो है यहाँ पे जो है मेसोपोटामिया की धरती पे 7000 and 6000 BCE के between जो है agriculture start हुआ. In the north, there is a strait of stretch of upland called as steppe. जो है north side में जो है stretch of upland है उसको कहते हैं steppe. ये जो हमने ये देख लिया ये जो है where animals herding offer people a better livelihood than agriculture. जो है after the winter rains sheep and the goats feed on the grasses and low shrubs that grows here. So यहाँ पे जो है वो steppe जो land है तो वहाँ पे क्या था कि लोग जो है वहाँ के जो है ना एग्रीकल्चर से ज़्यादा ना वो क्या करते एग्रीकल्चर से ज़्यादा वो जो एनिमल का हर्डिंग है और जो है मतलब शिप्स को या गोट्स को रियर करना और उनको ग्रास पे फीड करना ये ज़्यादा प्रेफर करते थे. सो टू ईस्ट ईस्टर्न साइड मतलब ये हो गई ईस्टर्न साइड. सो ईस्ट में क्या था ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टू द माउंटेन्स ऑफ ईरान. सो टिग्रिस रिवर का यहाँ पे महत्व जो है बढ़ जाता है क्योंकि इस रिवर ने जो है रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन टू द माउंटेन्स ऑफ ईरान प्रोवाइड करे हैं. अभी क्या है कि साउथ इन द डेजर्ट. ओके तो साउथ में क्या है साउथ में डेजर्ट है. तो द साउथ इज अ डेजर्ट एंड दिस इज वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड द राइटिंग्स इमर्ज्ड. ओके This desert could support cities because the river Euphrates and Tigris, which rise in the northern mountain, carry lots of silt, that is fine mud. When they flood or when their water is laid out to the field, fertile silt is deposited. But obvious है ये तो क्योंकि ऊपर जब अगर rivers होंगी तो वो rivers का जो है वो जो है mud वगैरह है या उसकी जो स्लिट वगैरह है फाइन मड होगा वो नीचे आ जाएगा और फिर वहाँ पे जो है वो फर्टाइल पोर्शन क्रिएट होगा. जैसे कि हम अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो एरिया हो गया ये हो गया वो स्टेपी. यहाँ पे नीचे जो हमने अभी देखा था कि ये जो है डेजर्ट ये हमने देख ली रिवर. अभी आपको इमेजिन होना चाहिए हम कहाँ पे देख रहे हैं. हम देख रहे हैं मेसोपोटामियन रीजन ये हो गई अपनी यूफ्रेटिस रिवर ये हो गई हमारी टाइग्रिस रिवर और फिर ये बीच में हो गया ये जो रीजन है वो कौन सा हो गया मेसोपोटामिया. अभी ये हो गया यहाँ पे बेबिलोन ये हो गया बगदाद. आपने सबको पता होगा थीफ ऑफ बगदाद के बारे में कुछ सुना तो होगा स्टोरी फिर भी नहीं पता होगी तो भी नाम तो सुना होगा. तो आगे है ये हो गया असीरिया जो अभी हमने देखा कि असीरिया में सुमेरियन लैंग्वेज आई थी मतलब वहाँ के जो लोग थे वो सुमेरियन लैंग्वेज प्रेफर करते थे बोलने के लिए. ये हो गया स्टेपी और ये सब चीज़ें हमने अभी देख ली. तो फिर ये जो रीजन है वो क्या है ये है जोन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. क्योंकि क्या है अभी देख लीजिए अगर यहाँ पे अगर रिवर है तो पानी की मात्रा यहाँ पे है तो एग्रीकल्चर तो वहाँ पे डेवलप हो गई होगा राइट. ये तो बट ऑब्वियस है. तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये है उरुक ये है उर ये दो साइड्स आप देख लीजिए. फिर आगे ये जो है वो क्या है वो सदर्न लिमिट ऑफ जोन ऑफ द रेन फेड एग्रीकल्चर. तो ये जो है रेन फेड एग्रीकल्चर का लिमिट है तो इसके नीचे ही मतलब आपको रेन फेड एग्रीकल्चर मिलेगा और ये जो ऊपर ये जो दिख रहा है ये सारा का सारा ये जो है वो माउंटेनियस रीजन है. तो हमने अभी देखा मेसोपोटामिया यहाँ पे जो माउंटेन्स थे ये रीजन हो गया और नॉर्थ साइड का जो रीजन ये हो गया माउंटेन्स का रीजन. फिर हमने देखा ये जो रीजन है वो स्टेपी का और फिर नीचे हमने देखा डेजर्ट का. ये जोन जो है वो कौन सा जोन है ये है एग्रीकल्चरल जोन और यू कैन से इरीगेटेड जोन ऑफ द साउथ. अभी आगे बढ़ते हैं क्या है आगे. आफ्टर द यूफ्रेटिस हैज एंटर्ड द डेजर्ट its water flows out in small channels and these channels flood their banks and in the past function as irrigation canals. अभी हमने देखा यहाँ पे जो है irrigation canals थे. What do you mean by this? So water could be let into the fields of the wheat, barley, peats or lentils when necessary. Okay, तो ये जो है वो जो पानी था यहाँ पे irrigation होता था अच्छे से तो ये जो है वो wheat, barley, peas वगैरह जो है वो वहाँ पे उगाया करते थे वहाँ के लोग. Of all ancient system that of Roman Empire, it was the agriculture of the southern Mesopotamia that was most productive. तो आप ये ध्यान में रखिए कि अभी हम पढ़ रहे हैं मेसोपोटामिया और southern Mesopotamia का जो agriculture था वो जो था वो बहुत ज़्यादा productive था. Even though the region did not have
सफिशियंट रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। तो वो जो रीजन है, भले ही वहाँ पे जो है सफिशियंट जो रेनफॉल था वो नहीं था, फिर भी उसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा था। नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामियन शिप्स एंड द गोड्स दैट ग्रेज ऑन द स्टेपी, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप दैट इज ऑन द ट्रैक्स टू हाई ऑफ द रिवर टू फ्लड्स एंड द फर्टिलाइज प्रोड्यूस मीट मिल्क वुल इन अबंडेंस। तो वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं था, बस बाकी चीज़ें भी थी, जैसे कि मीट हो गया, मीट का प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन, वुल का प्रोडक्शन भी अबंडेंस में था। फर्दर फिश वॉज अवेलेबल इन द रिवर्स एंड डेट पाम्स गेव फ्रूट्स इन समर। तो पाम को आपको पता ही होगा, डेट्स हो गए, तो ये जो थे वो भी अवेलेबल थे वहाँ पे। और जो कहते हैं ना कहावत है, आसमान से गिरे और खजूर में अटके, तो ये जो डेट्स है वो वाले खजूर है। फिर जो है फिश, तो फिश भी वहाँ पे अवेलेबल थी, जैसे कि नदी होगी तो नदी में तो फिश तो होंगे ही होंगे, राइट। तो वहाँ पे इसी वजह से फिशिंग भी, फिशिंग प्रैक्टिसेस भी होंगी। तो लेट इस नॉट हाउएवर मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट सिटीज ग्रू सिंपली बिकॉज ऑफ द रूरल प्रॉस्पेरिटी। वी शैल डिस्कस अदर फैक्टर्स बाय एंड बाय, बट फर्स्ट लेट इस बी क्लियर अबाउट द सिटी लाइफ। सो अभी हमको ये कन्फ्यूज़ नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज वहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा था, जैसे कि नदी वगैरह थी, तो उसकी वजह से जो है ना रूरल लाइफ जो थी वो प्रॉस्पर हो गई और फिर उसकी वजह से सिटी लाइफ वगैरह हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इस बुक में कहा गया है। तो था कैसा, तो अभी देखते हैं कैसा था। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। तो बिफोर रीडिंग दिस जस्ट देखते हैं यहाँ पे इसको कोने में क्या दिया हुआ है इस बुक में, चलो पढ़ते हैं। The earliest city in the Mesopotamia date back to the Bronze Age 3000 BCE. Bronze is an alloy of copper and tin. Bronze kya hai? Copper aur tin ka alloy hai. Using the bronze meat procuring these metals offer from great distances. Metal tools were necessary for accurate carpentry. अच्छा, तो जो मेटल टूल्स थे वो कैरपेंट्री के लिए नेसेसरी थे, फिर बीड्स का ड्रिलिंग करने के लिए, देन कार्विंग स्टोन्स सील्स जो है, स्टोन सील्स का कार्विंग करने के लिए भी वो इम्पोर्टेंट थे, फिर कटिंग शेल फॉर द इनलेड फर्नीचर ये भी करने के लिए जो है वो मेटल जो है वो रिक्वायर्ड थे। तो मेसोपोटामियन वेपन्स वर ऑल्सो ऑफ ब्रॉन्ज, फॉर एग्जाम्पल द टिप्स ऑफ द स्पीयर्स दैट वी हैव सीन। ओके, तो ओके, तो वी आर गोइंग टू सी दिस, बट जस्ट टिल देन जस्ट यू रिमेंबर दिस, लाइक द वेपन्स ऑफ द मेसोपोटामियंस वर आल्सो मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड लाइक स्पीयर्स एंड ऑल्सो। ओके, सो जो है देख लेते हैं क्या है सिग्निफिकेंस अर्बनिज्म का। तो सिटीज एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेस विद द लार्ज पॉपुलेशन। It is when an economy develops in spheres other than food production that it becomes an advantage for people to cluster in towns. So economic development जब वहाँ पे होती है तो जो है वो जो तो ये जो है वो एक एडवांटेज है पीपल्स के लिए, जो जो है वहाँ पे जो टाउन्स वगैरह है जो वो बनने के लिए क्या होता है कि इकोनॉमी अगर डेवलप होती है वहाँ पे तो इट लीड्स टू यू नो increase the population in the towns, आप ये कह सकते हैं। तो urban economies comprise besides food production, trade, manufactures and services. So जो urban जो economies थी वहाँ पर सिर्फ food production नहीं होता था, trade भी होता था, manufacturing भी होती थी different products की, और services भी थी वहाँ पर। इस वजह से जो है urban economy जो है flourish हो रही थी। City people thus ceased to be self-sufficient and depend on the products or services of other or city or the village people. तो क्या हो गया फिर जो है city जो people है, जैसे कि even today what happens is जो बड़ी बड़ी cities है, जैसे कि कोई भी city हो गई तो वहाँ पर क्या होता है जो people है वो जो है वो सारे मतलब उनका agricultural practices नहीं होते हैं, उनको जो खाने पीने की जैसे कि खाने पीने की चीज़ें है या सब्जी हो गई या कुछ भी हो गया, तो हम किराना लाने के लिए दुकान में जाते हैं या कोई ग्रोसरी शॉप में जाएंगे, बाहर जाएंगे कपड़े लाने के लिए या जो भी चीज़ें हमारी जो नीडफुल चीज़ें हैं ये लाने के लिए हम बाहर जाते हैं हम। और जो बाकी की सर्विसेज हो गई जैसे कि लॉ हो गया या प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे CA वगैरह, जो ये सारी सर्विसेज है जो इनका यूज़ करते हैं हम, और इन जो सर्विसेज जो है अवेलेबल उसका हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर हम बेसिकली डिपेंड होते हैं। तो वैसे ही उस टाइम पे था, तो जैसे कि सिटी पीपल जो है वो सेल्फ सफिशियंट नहीं थे वो, जैसे कि अगर कोई
नो कोई अगर किसी कोई अगर जैसे जैसे कि वीट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पास बाकी चीजें नहीं होंगी, तो वो मार्केट में जो अवेलेबल जो है चीजें, जो सर्विसेज वगैरह है, बाकी की चीजें जो अवेलेबल है उसका वो यूटिलाइज करेगा. तो जो है वो ट्रेड था वहाँ पे, तो देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग देम. सो बेसिकली क्या था कि लोगों के बीच में इंटरेक्शन था, जैसे कि किसी की तरफ जो है आलू है और किसी की तरफ अगर पोटैटो जो सॉरी टोमेटो है, तो वो आलू आलू और जो पोटैटो है वो एक्सचेंज होगा इन दोनों के बीच में, या ट्रेड होगा. अभी कॉइन्स वगैरह जो है वो करेंसी वगैरह है वहाँ पे थी या नहीं थी, वो तो हम आगे देखेंगे. अभी फिलहाल यह इतना इतना तक ही मतलब अपनी सोच को लिमिट कर लीजिए कि वहाँ पे ट्रेड था. के द कार्वर ऑफ द स्टोन सील्स रिक्वायर्ड ब्रॉन्ज टूल दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक. अभी क्या था कि जो कार्वर था स्टोन सील्स का, तो उसको जो था वो ब्रॉन्ज टूल चाहिए, है कि नहीं? वो मतलब ये बात ऐसी है कि अभी जो स्टोन टू सील्स जो बनाने वाला जो आदमी है उसको वो बनाने के लिए ब्रॉन्ज टूल तो चाहिए, तो कोई ना कोई तो होगा वहां पे जो ब्रॉन्ज टूल बनाता होगा, तो उसको उसकी मतलब जो ब्रॉन्ज टूल जो आदमी बना रहा है तो उसको वहां से उसको वो खरीदना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा. और जो था कलर स्टोन फॉर द सील्स दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट, तो वो जो आदमी है जो कलर स्टोन मतलब जो जो स्टोन सील्स बनाने वाला आदमी है उसको कलर स्टोन कहाँ पे मिलते हैं वो भी वही, कहीं से तो उसको वो कलर स्टोन लाने पड़ेंगे और किसी से तो वो उसको खरीदने पड़ेंगे, राइट? और जो बनाने का जो टूल है ब्रॉन्ज टूल वो भी किसी ना किसी से तो उसको लेना पड़ेगा. और उसका जो स्किल क्या है, स्पेशलाइजेशन इन द फाइन कार्विंग, जो इसकी इसका जो है वो स्किल है. और तो ये सब चीजें हैं, इस इन सब चीजें के लिए ये जो लोग हैं वो मतलब एक दूसरे के ऊपर वो इंटरडिपेंडेंट है. आगे क्या है कि जो द ब्रॉन्ज टूल मेकर डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट मेटल्स द कॉपर एंड द टीन, बिसाइड्स ही नीड्स रेगुलर सप्लाईज ऑफ द चारकोल फॉर फ्यूल. तो फ्यूल चारकोल भी उनको जरूरी था जो है फ्यूल के लिए. देन द डिविजन ऑफ द लेबर इज मार्क ऑफ द अर्बन लाइफ. तो डिविजन ऑफ द लेबर भी था बेसिकली, मतलब क्या होगा, अभी 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 हमने अगर ये एग्जाम्पल हमने देखा तो कोई होगा जो लेबर का डिविजन कैसे होगा, कोई होगा जो ब्रॉन्ज टूल्स बनाता होगा, कोई होगा जो स्टोन सील्स बनाता होगा, कोई होगा जो ये जो है वो कहीं से क्वारिंग करके वो जो है जो जो स्टोन है वो कहीं से तो लाता होगा. तो ऐसे डिविजन ऑफ लेबर हो गया और इसकी वजह से जो है वो अर्बन लाइफ वहाँ पे थी, ऐसा हम कह सकते हैं. फर्दर देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस, फेल मेटल एंड वेरियस स्टोन्स वुड्स एटसेट्रा कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चर, दस ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड. अभी क्या हो गया, अगर ये सब चीजें हैं तो वहां पे ट्रेड भी तो है और फिर स्टोरेज की भी जरूरत होगी वहां पे, राइट? सो देर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम दी विलेज टू द सिटी एंड फूड सप्लाईज नीड टू बी स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. ऐसा तो है ही, जैसे कि फूड सप्लाईज हो गए तो उनको तो स्टोर तो करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा. अगर टाइम पे अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो वो खराब भी हो सकता है. तो ये सब चीजें हैं. बिसाइड्स मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन बट ऑल्सो ब्रॉन्ज टूल्स एंड पॉट्स अवेलेबल फॉर सील कटर्स. ऑब्वियसली इन सच अ सिस्टम सम पीपल गिव कमांड्स दैट अदर्स ओबे. तो ऐसा ऐसी अगर सिस्टम है तो वहाँ पे क्या होगा, जो कुछ पीपल होंगे वो कमांड देंगे और अदर्स जो होंगे कुछ पीपल जो है उनको वो ऑर्डर जो है वो माननी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी, ओबे करना पड़ेगा. एंड अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड. तो अर्बन इकोनॉमिक जो है, जो सिटी जो है इनको जो इकोनॉमी है उनको क्या करना पड़ेगा, जो ये सब ट्रेड वगैरह जो हो रहा है उनका उनको राइटिंग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि किसने क्या लेके गया, किसी को क्या लेके मतलब क्या ट्रेड हो रहा है, ये सब चीजें उनको लिखनी पड़ेगी कहीं पे, तो रिकॉर्ड उसका होना चाहिए, राइट? क्योंकि आदमी तो भूल जाएगा ना थोड़ी देर बाद, तो उसका कुछ प्रूफ भी चाहिए, अदरवाइज वो माल प्रैक्टिसेस भी हो सकती है. तो इन सब चीज़ों के लिए, चीज़ों को अवॉइड करने के लिए शायद उन्होंने रिटन रिकॉर्ड्स उसको बनाए होंगे, उसके बनाए होंगे. चलो अभी देखते हैं क्या है ये तो कुछ फिगर दिखती है यहाँ पे, ये क्या है, वार का हेड इन्होंने बताया, इस बुक में लिखा है दिस इज अ वार का हेड. सो दिस वुमन हेड वॉज स्कल्प्टेड इन द वाइट मार्बल एट उरुक.
बिफोर 3000 BCE। अभी ये उरुक क्या है ये मैं नहीं आपको बताने वाली, अभी हमने पहले ही देखा था उस मैप में जब हम देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था उर का लोकेशन और उरुक का लोकेशन भी मैंने बताया था। अगर आपको याद नहीं है तो जाके देखिए, अपने एटलास खोलिए और देखिए, अदरवाइज अपनी इस आपकी इस आपको इस वीडियो के पहले मतलब रिवाइंड करना पड़ेगा और थोड़ा सा पीछे जाके आपको देखना पड़ेगा। द आईज एंड द आईब्रोज वुड प्रोबेबली हैव टेकन लापिस लजुली। ये लापिस लाजुली क्या है, क्या है, क्या है लापिस लाजुली? एक्चुअली ये स्टोन है ब्लू कलर का, एंड शेल वाइट, एंड बिटुमन ब्लैक इनलेज तो है इसके ऊपर जो है वो इनले किया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देयर इज अ ग्रू अलोंग द टॉप ऑफ द हेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो ग्रू है। तो ये क्या है, ये इंडिकेट करती है जैसे कि जो आईब्रोज होती है उसको इंडिकेट करने के लिए शायद इन्होंने ये बनाया होगा। दिस इज अ वर्ल्ड फेमस पीस ऑफ स्कल्पचर एडमायर्ड फॉर द डेलिकेट मॉडलिंग ऑफ द वुमेन्स माउथ चिन एंड द चिक्स। ओके, तो ये फिगर जो है ये आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या है, इसका नाम है वार्का हेड और ये बहुत जग विख्यात है, फेमस है। एंड इट वॉज मॉडल्ड इन द हैंड स्टोन एंड दैट वुड हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम द डिस्टेंस। अच्छा, तो ये जो स्टोन है वो जो है वो बहुत दूर से उन्होंने इंपोर्ट किया था और फिर ये स्कल्पचर उन लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने बनाया था। बिगिनिंग विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्टोन लिस्ट ऑल द स्पेशलिटीज हु वुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सच अ पीस ऑफ स्कल्पचर। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। आगे क्या है देखते हैं। आगे जो है वो मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन टू द सिटी। अभी हमने देखा कि ट्रेड डेवलपमेंट हो गई थी, इकोनॉमी जो है फ्लरिश हो रही थी सिटीज में, और अभी हमने देखा, हमको आज भी पता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है प्रोड्यूस है या फार्मिंग प्रैक्टिसेस कहाँ पे होती है, यह होती है विलेजेस में, राइट। सिटी में तो ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी तो स्पेस तो वहाँ पे, जगह तो इतनी अवेलेबल होती नहीं है, लैंड तो होती नहीं है, तो वे कहाँ पे होंगे। जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसी की वजह मतलब उसी की हेल्प लेते हुए विलेजेस में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं मतलब ग्रेन्स वगैरह हो गए या राइस वगैरह मिलर्स जो भी मतलब प्रोड्यूस है वो सिटीज में आके वो सेल होगा, सिटीज में जो लोग रहते हैं उनको, तो वो उसके लिए मतलब वो जो सब कुछ है वो मतलब विलेज से सिटीज में लाने के लिए कैसे लाएंगे वो, तो कुछ तो मूवमेंट उसकी होगी ना, तो वो क्या होगी वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। हाउ एवर रिच द फूड रिसोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया इट्स मिनरल रिसोर्सेज वेयर फ्यू। ओके, तो फूड रिसोर्सेज जो है मेसोपोटामिया के वो बहुत ज़्यादा थे लेकिन जो इसके मिनरल रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे। मोस्ट पार्ट ऑफ दी अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो जो है भले ही उसका जो है रेन वगैरह यहाँ पे कम होती थी फिर भी उसका जो फूड प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा था क्योंकि इरिगेशन अच्छा था, वो जो है रिवर वगैरह है उसका पानी अच्छे से मतलब इरिगेट हो रहा था और उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन ज़्यादा था फूड का। मोस्ट पार्ट ऑफ दी साउथ लैक्ड स्टोन्स फॉर टूल्स सील्स एंड जेवल्स। द वुड ऑफ दी इराकी डेट पाम एंड पोपलार वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ट्स कार्ट व्हील्स और बोर्ड्स। तो ये जो इराकी डेट पाम जो थे और पोपलार्स जो था, इनका जो वुड था वो जो था वो गुड इनफ नहीं था कार्ट्स व्हील या बोर्ड्स वगैरह बनाने के लिए। एंड देर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स वेसल्स एंड ऑर्नामेंट। अभी अभी हमने देखा कि वहाँ पे जो है वो मिनरल रिसोर्सेज की कमी थी, इस वजह से यहाँ पे मेटल्स वगैरह जो है वो अबंडेंस में अवेलेबल नहीं थे। सो वी कैन समराइज दैट एंशियंट मेसोपोटामियंस कुड हैव ट्रेडेड देयर अबंडेंस टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड फॉर वुड कॉपर टीन सिल्वर गोल्ड शेल एंड वेरियस स्टोन्स फ्रॉम टर्की एंड ईरान और अक्रॉस द गल्फ। तो अभी अभी हमने देखा जैसे कि इनके मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे तो इन्होंने क्या किया होगा, और उनको नीड भी थी इन सब चीज़ों की जैसे कि ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के लिए, व्हील वगैरह बनाने के लिए कॉपर का रिक्वायरमेंट होगी, टीन की, सिल्वर गोल्ड शेल वगैरह वुड वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो उन्होंने क्या किया है फिर, वो उन्होंने इम्पोर्ट किया होगा दूसरी जगहों से जैसे कि ईरान हो गया या टर्की हो गया, तो और अक्रॉस द गल्फ ये सब एरिया से उन्होंने वो इम्पोर्ट किया होगा। दीज लैटर रीजन्स हैड मेड मिनरल रिसोर्सेज बट मच लेसर स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि जैसे हमारे मेसोपोटामिया जो है मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे, वैसे ही ये जो बाकी के जो 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 लैंड है, टर्की हो गया, ईरान हो गया, गल्फ वगैरह हो गया, तो वहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो था वो बहुत कम था,
वहाँ पे वेरी लेस स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर था, तो इसकी वजह से इन्होंने एक्सचेंज हो गया होगा उनके बीच में, ट्रेड होता होगा, रेगुलर एक्सचेंजेस पॉसिबल होंगे. तो ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू इक्विप फॉरेन एक्सपेडिशंस एंड डायरेक्ट एक्सचेंजेस वर इनिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ द सदर्न मेसोपोटामिया. जैसे कि हमने देखा कि मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट्स में जो है वो जो थोड़ा सा डेजर्ट वाला एरिया है और वहीं पे ये ईरान वगैरह है, तो वहाँ के लोगों से बेसिकली ये ट्रेड वगैरह वो रेगुलर एक्सचेंज वगैरह होता होगा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, बिसाइड्स क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड सर्विसेज, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट. ये तो है ही है भाई, ऐसा तो है ही, मतलब क्राफ्ट्स कितने भी हो गए, क्राफ्ट ट्रेड हो गया, सर्विसेज हो गए, फिर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ तो चाहिए. जैसे कि आज की तादा अगर आज की मतलब आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर करने के लिए ट्रक्स चाहिए, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के जो है वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स चाहिए, ट्रक्स हो गए या ट्रेन्स हो गए, रेलवेज हो गए, इवन द एरोप्लेन्स वगैरह भी आजकल ये सब चीज़ें यूज की जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट. तो तब भी तब क्या था, तब ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन तो व्हील्स तो इन्वेंट हुआ ही हुआ था, तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत थी. तो इफ इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड्स टू कैरी ग्रेन और चारकोल इन टू द सिटीज और ऑन पैक ऑफ एनिमल्स और बुलक कार्ट्स, द सिटी इकोनॉमी विल नॉट बी वायबल. देखिए कैसा है कि अगर वहाँ पे अगर वो मतलब जो एनिमल्स है उनके मतलब कंधों पे डाल के मतलब उनकी पीठ पे डाल के अगर कोई भी सामान लेके जा रहे हैं या जो है वो बुलक कार्ट्स वगैरह जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो फिर टाइम तो बहुत लगेगा और फिर ये सिटी की इकोनॉमी जो है वो वायबल नहीं रहेगी. तो द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एवरीवेयर ओवर अ वाटर. अभी ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके मतलब पानी के थ्रू, पानी के ऊपर से, जैसे कि रिवर हो गया, सी के ऊपर से अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो बहुत ही चीपर वे है और मतलब अच्छा भी है ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो रिवर बोट्स और बार्जेस लोडेड विद द सैक्स ऑफ ग्रेन्स आर प्रोपेल्ड बाय करंट ऑफ द रिवर एंड और विंड. बट वेन एनिमल्स ट्रांसपोर्ट गुड्स दे नीड टू बी फेड. देखिए कैसा है, अगर एनिमल्स के ऊपर अगर सामान लाद के हमको लेके जाना है तो उनको कुछ खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन नदी को ऐसा नहीं है, बस हवा का झोंका आ गया और नदी का जो फ्लो है पानी का, तो उसके मतलब बहाव से ही मतलब बोट्स वगैरह जो है वो सामान ले जा सकते हैं. आपको बस उसको प्रॉपरली चैनलाइज करना चाहिए, आना चाहिए, वो बोट प्रॉपरली आपको जो है वो ड्राइव करती आनी चाहिए, यही बस रिक्वायरमेंट है. ज़्यादा एनर्जी की या ज़्यादा बाकी कुछ जो है एनर्जी वेस्टेज की ज़रूरत नहीं होती है. तो कैनाल्स एंड द नेचुरल कैनाल्स, सॉरी नेचुरल चैनल्स ऑफ द एंशियंट मेसोपोटामिया वेयर इन फैक्ट रूट्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड द स्मॉल सेटलमेंट्स एंड इन द अकाउंट ऑन द सिटी ऑफ मारी लेटर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी दिस इन द लेटर इन दिस चैप्टर. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूफ्रेटिस एज अ वर्ल्ड रूट विल बी will become clear. So, क्यों कहता है इसको वर्ल्ड रूट यूफ्रेटिस को, तो ये है जो है वो हम आगे देखेंगे. तो अभी ये क्या देखा है, क्या लिखा है इस बुक में, ये कोने में क्या है देख लेते हैं. क्ले टैबलेट्स 3200 BCE, each tablet is 3.5 centimeter or less in the height, which picture like signs, ox, fish, grain, boat and number. तो ये जो क्ले टैबलेट थी तो उसके ऊपर जो है वो ये सब चीज़ें उस पर ऊपर थी, जैसे कि पिक्चर्स है ऑक्स के या फिश के या ग्रेन्स के या बोट्स के वगैरह, तो उसके ऊपर बनाए हुए हैं. देख लीजिए यहाँ पे जो है ये हो गया ऑक्स का, फिर ये बहुत सारी जो है ग्रेन हो गया या फिश हो गया, ये जो है वो नंबर्स है, बोट वगैरह है और नंबर्स है, तो ये सब चीज़ें है. तो ये यहाँ पे ये क्या है फिर, ये है, ये जो है वो यूनिफॉर्म सिलेबिक साइंस है, ये जो है वो साइंस है. तो अभी हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स कैसे हो गई. तो पहले तो हमने ये देख लिया, ये सारे सिंबल्स तो अभी हमने देख लिए हैं, तो अभी राइटिंग की डेवलपमेंट कैसे हुई होगी, चलो देखते हैं. ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेजेस इन विच सर्टन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टन मीनिंग्स एंड दिस वर्बल कम्युनिकेशन राइटिंग्स टू इज वर्बल कम्युनिकेशन. देखिए राइटिंग भी जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक प्रकार है, बट इन अ डिफरेंट वे. व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग और अ स्क्रिप्ट, वी मीन दैट स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ विजिबल साइन. जैसे कि स्क्रिप्ट होगी,
तो विजिबल साइन है इसके, जैसे हम मैं अभी जो जो भी बात कर रही हूँ उसकी भी एक स्क्रिप्ट है, जिसको कहते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट, जो हम लिखेंगे अभी हिंदी में अगर बात कर रही हो तो उसका लिखने का भी एक स्टाइल होगा, राइट, कुछ स्क्रिप्ट होगी तो उसको देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सिमिलर वे ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसको जो है वो क्यूनिफॉर्म सिलेबिक साइन कहते हैं। तो फर्स्ट मेसोपोटामियम टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BCE, अभी अभी हमने यहाँ पे देख लिया, इट कंटेन्स पिक्चर्स लाइक साइंस एंड नंबर्स, दीज वेयर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ द ऑक्सन फिश ब्रेड लोज एक्सेट्रा, सो लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वेयर ब्रॉट इन टू द डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ द उरुक। अभी अभी हमने देखा है उरुक का लोकेशन, आपको अभी इमेजिन करना होगा कहाँ पे है उरुक। उरुक इज अ सिटी इन द साउथ। सो क्लियरली राइटिंग बिगैन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, बिकॉज इन अ सिटी लाइफ ट्रांजेक्शन ऑकर एट डिफरेंट टाइम्स एंड इन्वॉल्व मेनी पीपल एंड वराइटी ऑफ गुड्स। जब भी ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोग अगर इन्वॉल्व है अगर ट्रांजेक्शन्स में और ट्रेड वगैरह एक्टिविटीज़ में, तो उसका रिकॉर्ड कीप करना तो कभी भी अच्छा ही होता है, नहीं कन्फ्यूजन ना बढ़े। कोई भी अगर अभी भी देखते हैं, जैसे अगर मेरा अगर किराना शॉप है तो मैं तो मतलब हर एक चीज़ का रिकॉर्ड तो रखेंगे ही ना, कि किसी ने कुछ उधार तो नहीं लेके गया है, किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे बचे हैं, मेरा मटेरियल कितना है, हर एक चीज़ का मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी। तो ऐसा ही था तब भी। चलो आगे देखते हैं क्या है। तो ये आप देख सकते हैं मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले। अच्छा जैसे कि अभी भी जो है वो स्कूल के बच्चे जो है वो स्लेट यूज करते हैं, तो तब जो था तो ये जो था वो टैबलेट्स ऑफ क्ले था, और अभी ये क्ले की जो टैबलेट्स है उसके ऊपर अगर एक टाइम लिख दिया तो वो हो गया परमानेंट, और उसकी वजह से ही ये जो परमानेंट है तो उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर जो है वो सेव हुए और फिर हमको मिले, तो सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम इट। अ स्क्राइब, कौन थे ये स्क्राइब? स्क्राइब जो थे वो पर्सन्स हु आर राइटिंग ऑन दीज टैबलेट्स ऑफ क्ले। सो अ स्क्राइब वुड वेट क्ले एंड पैट इट इन टू अ साइज ही कुड होल्ड कंफर्टेबली इन टू द हैंड, एंड ही वुड केयरफुली स्मूदन इट्स सरफेस विद द शार्प एंड ऑफ अ रीड कट ऑब्लिकली, ही वुड प्रेस वेज शेप दैट इज क्यूनिफॉर्म साइंस ऑन टू द स्मूदन सरफेस While it was still moist। तो जो जो उसने सबसे पहले तो ये क्या करेगा, वेट क्लिक लेंगे उसका, ये जो है वो बना देंगे थप्पा बना देंगे, और उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत मतलब वो जब सूख गया होगा तो उसके ऊपर जो है वेज शेप मतलब उसके ऊपर जो प्रेसिंग बनाएंगे और उसके ऊपर कुछ लिखेंगे, और फिर वो बाद में वो जो है वो सन ड्राई करने के लिए रख देंगे, और फिर जो ये जो क्ले का जो टैबलेट है वो सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और फिर ये है जो है ये जो बन जाएगा उसका जो ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो है वो ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल है। जो जैसे कि पॉटरी जो है, पॉटरी एक बार बना दी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हमने पढ़ा था 6th में, तो या हम साइमल्टेनियसली जब हम 11th का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पढ़ रहे हैं, तो उसी में भी हमने देखा कि पॉटरी वगैरह जो है इंडस वैली की जो हमने देखी है तो वो भी अभी भी मिली है। तो सेम वे ये जो है मेसोपोटामिया का जो है टैबलेट से ये मिली है, और ये ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रिक्टेबल है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ये आप ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं, तो ये जो है ये अ क्ले टैबलेट रिटन ऑन द बोथ साइड्स इन अ क्यूनिफॉर्म, इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज। यू कैन सी अ ट्राइंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल है, एंड द लाइन्स भी आप देख सकते हैं, ये जो ट्राइंगल हो गया ये लाइन्स हो गए, तो अक्रॉस अ ट्राइंगल ऑन द टॉप ऑफ द ऑब्वर्स साइड यू कैन सी दैट द लेटर्स हैव बीन प्रेस्ड इन टू द क्ले। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ें। तो क्यूनिफॉर्म क्या है? क्यूनिफॉर्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनियस मीनिंग अ विच, एंड फॉर्मा मीनिंग क्या है, फॉर्मा का मीनिंग, फॉर्मा मीनिंग शेप, फॉर्मा मीन्स क्या आप कहते हैं ना, फॉर्म, फॉर्म मीन्स शेप, एंड क्यूनियस मीन्स क्या है, वेज शेप जो है। तो ये हमने देख लिया अभी क्ले टैबलेट के बारे में। ओके तो अभी when a written record of say the delivery of pieces of metal had ceased to be relevant, the tablet was thrown away। तो बाद में अगर बाद में क्या हो गया कि जो मेटल के जो पीसेस है उसके ऊपर अगर लिखना स्टार्ट कर दिया तो ये जो टैबलेट से वो फेंक दिए गए, जो टेक्निक थी वो मतलब नहीं करते थे वो लोग यूज। ऑन द सर्फेस ड्राइड साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन टू द टैबलेट, सो ईच ट्रांजेक्शन हाउएवर माइनर रिक्वायर्ड अ सेपरेट रिटन टैबलेट। जैसे कि एक बार अगर ये लिख दिया तो ये परमानेंट हो गया, फिर उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे।
So this is why the tablets occurred by the hundreds of the Mesopotamian site. And it is because of this wealth of the sources that we know so much about Mesopotamia that we do about contemporary India. इसकी वजह से मतलब मेसोपोटामिया जो में जो है वो इस ये जो सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स जो मिले हैं बहुत सारे ये जो टैबलेट्स के क्ले की जो टैबलेट्स है उसके ऊपर ये सब सारे लिखा था तो इनडिस्ट्रक्टिबल था ये तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है मेसोपोटामिया के बारे में. और अगर हम इंडिया का देखा जाए तो इंडिया के बारे में इतनी जो है वो उस टाइम की जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली. चलो आगे देखते हैं. तो बाय 2600 BCE or so, the letter became cuneiform and the language was Sumerian. हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो सुमेरियन थे असीरियन पीपल थे और सुमेरियन लैंग्वेज वॉज स्पोकन देयर. राइटिंग वॉज नाउ यूज नॉट ओनली फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स बट ऑल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज. डिक्शनरीज देखिए राइटिंग जो है वो डिक्शनरीज के लिए बनाने के लिए भी यूज की जाती थी. गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर नैरेटिंग द डीड्स ऑफ द किंग्स एंड अनाउंसिंग द चेंजेस किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड. तो देखिए ये अभी भी है परसिस्ट मतलब करता है ये सब चीज़ें जैसे कि मतलब जो डीड्स हो गई या कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द पीपल हो गया ये जो सारी है ये अभी भी है मतलब बहुत सारे मतलब सारे कंट्रीज में ये होती है ऑब्वियसली. तब भी ये था जैसे कि लीगल वैलिडिटी क्या है और लैंड ट्रांसफर वगैरह होती है तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें हैं वो इसके ऊपर लिख दिया करते थे लोग और उसके ऊपर जो है वो जो किंग्स की जो डीड्स है वो भी उसके ऊपर नरेट करती जा कर मतलब करते थे तब के लोग. और फिर जो अगर किंग कोई अनाउंस करता है अगर कोई चेंजेस वगैरह अगर बना रहा है कोई कस्टमरी लॉ है कोई लॉ मॉडिफाई कर दिया तो उसके जो चेंजेस वगैरह है कोई अनाउंसमेंट है तो वो भी लिखने के लिए उसका जो है मैसेज वो बाकी लोगों के तक पहुँचाने के लिए भी ये टैबलेट्स क्ले टैबलेट्स बनाई जाती थी. सुमेरियन द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड आफ्टर 2400 BCE बाय अकेडियन लैंग्वेज. देखिए जो सबसे पहली जो लैंग्वेज थी जब सबसे पहली नोन लैंग्वेज है वो है मेसोपोटामिया की जो है वो सुमेरियन है और उसके बाद में ये जो लैंग्वेज है वो 2400 BCE के बाद जो है अकेडियन लैंग्वेज से द्वारा रिप्लेस की गई. यूनिफॉर्म राइटिंग इन द अकेडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड इन use until the first century that is for more than 2000 years. देखिए language तो Sumerian की replace हो गई Akkadian language से लेकिन जो है उसका जो script था वो अभी भी cuneiform ही था. अभी चलो देखते हैं आगे क्या है. A system of writing. अभी हमने देखा language के बारे में अभी हम और हमने script भी देख ली जैसे कि कौन सी स्क्रिप्ट थी यूनिफॉर्म थी. अभी आप देखते हैं समथिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ द राइटिंग क्या था क्या था इस सिस्टम में. बेसिकली द साउंड वाज दैट अ यूनिफॉर्म साइंस रिप्रेजेंट वाज नॉट अ सिंगल कंसोनेंट और अ वोवेल सच एज म और अ इन द इंग्लिश अल्फाबेट बट सिलेबल्स से पुट और ला और इन. दस द साइंस दैट मेसोपोटामियन स्क्राइब had to learn ran into hundreds and he had to be able to handle a weight tablet and get it written before it dried. So writing was a skilled craft but more important it was an enormous intellectual achievement. देखिए कैसा है उनको करना भी था जो scribes थे जो ये सब चीज़ें लिखते थे उनका skill भी देखिए जैसे कि वो जो tablet है वो तो गीली होगी और वो सूखने के पहले ही उसको उसके ऊपर सब कुछ लिखना था तो ये एक intellectual अचीवमेंट भी हो गई और ये एक स्किल्ड क्राफ्ट भी हो गया. तो कन्वेइंग इज द विजुअल फॉर्म्स द सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो ये एक बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट थी उन स्क्राइब्स की. आगे देखते हैं समथिंग अबाउट द लिटरेसी. तो क्या था कि वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट. तो ऑब्वियसली ये अगर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है तो सबको तो ये तो नहीं आता होगा ना ये जो स्किल है वो सबको तो नहीं आता होगा सब तो मतलब सबने ये स्किल जो है वो एक्वायर नहीं किया होगा. देखते हैं तो नॉट ओनली वेर देर हंड्रेड्स ऑफ द साइंस टू लर्न मेनी ऑफ दीज वेर कॉम्प्लेक्स. तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी इसकी वजह से सबकी तो बुद्धि सिमिलर नहीं होती है ना तो सबको मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं कुछ को कम मिलते हैं कुछ को ज़्यादा मिलते हैं तो सबकी बुद्धि के हिसाब से होता है क्योंकि किसी का इंटरेस्ट कुछ में होता है कोई ड्राइंग में अच्छा होता है कोई पेंटिंग में अच्छा होता है कोई पढ़ाई में अच्छा होता है हर किसी का जो है इंटेलेक्चुअल जो है वो अलग अलग होता है. इस वजह से जो है वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस जो है वो कुड राइट एंड रीड. इफ अ किंग कुड रीड ही मेड श्योर दैट दिस वॉज रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज
बोस्टफुल इंस्क्रिप्शन, अगर जो है राजा जो है उसको अगर पढ़ना आता था तो वो जो है वो उसका जो रिकॉर्ड है वो बना मतलब बनाना था वहाँ पे, बनाया था वहाँ पे। और फॉर द मोस्ट पार्ट हाउएवर राइटिंग्स रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग, जो राइटिंग्स जो थे वो उसने क्या किया कि जो मोड ऑफ स्पीकिंग था उसको रिफ्लेक्ट किया। बेसिकली अ लेटर फ्रॉम एन ऑफिशियल वुड हैव टू बी रीड आउट टू द किंग, सो इट वुड बिगिन टू माई लॉर्ड स्पीक दस सेज योर सर्वेंट्स बी आई हैव कैरिड आउट द वर्क असाइन टू मी। जैसे कि ये जो है वो लेटर अगर जो कोई ऑफिशियल अगर देता है या किंग को अगर देता है तो किंग्स को जो है वो पढ़ के सुनाना पड़ता था। जैसे ओ माई लॉर्ड स्पीक दस सेज यू योर सर्वेंट बी, मतलब ओ माई लॉर्ड ए, जैसे कि कोई भी राजा का हम नाम लेते हैं कोई भी, जैसे कि ओ माई लॉर्ड ए स्पीक्स दस योर सर्वेंट बी आई हैव कैरिड आउट द वर्क्स असाइन टू मी, जैसे कि मैंने अपने साथ मुझे जो काम दिया गया था वो मैं लेके आया हूँ। ऐसी बातें जो है वो जो जब वो जो लेटर मतलब वो जो स्क्राइब भी होगा, जो नॉट स्क्राइब जो टैबलेट होगा उसके ऊपर जो लिखा था तो वो पढ़ के सुनाना पड़ता था। अ लॉन्ग मिथिकल पोएम्स अबाउट क्रिएशंस एंड्स दस, लेट दीज वर्सेज बी हेल्ड इन द रिमेम्बरेंस एंड लेट द एल्डर टीच देम, लेट द वाइज वन एंड द स्कॉलर डिस्कस देम, लेट द फादर रिपीट देम टू हिज सन एंड लेट द ईयर्स ऑफ इवन द हर्ड्समैन बी ओपन टू देम। तो ये कुछ पोएम्स है जो है उसके ऊपर जो है टैबलेट्स के ऊपर जो लिखी थी और कुछ बनाई गई थी मेसोपोटामियन पीरियड्स में। अभी देखते हैं यूजेस ऑफ राइटिंग्स। सो द कनेक्शन बिटवीन द सिटी लाइफ ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉट आउट, द कनेक्शन between the city life, trade and writing is brought out in the long Sumerian epic poem about Enmerkar, who was one of the earliest ruler of the Uruk. अभी इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, कौन था Enmerkar? Enmerkar जो था वो earliest ruler of Uruk था। तो in Mesopotamian tradition, Uruk was the city par excellence, often known simply as the city. तो Uruk means क्या है? The city पार एक्सेलेंस, उसको कहते थे कि बस उसको सिटी कहते थे, द सिटी कहते थे। तो Enmerkar जो था इट्स एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर। तो ये जो है पर्सन, ये जो फर्स्ट ट्रेड जो था सुमेर का उससे एसोसिएटेड है। इन द अर्ली डेज द एपिक सेज ट्रेड वॉज नॉट नोन, जो सबसे पहले जो है वो ट्रेड जो है वो जो लोगों को पता नहीं था। तो फिर Enmerkar ने क्या किया, Enmerkar जो था वो उनको जो क्या करना था कि जो लापिस लाजुली एंड द प्रीशियस मेटल्स जो है, तो उनको क्या करना था, ये जो मेटल्स है ब्यूटीफिक जो सिटी टेम्पल्स वगैरह है तो उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए उनका यूज करना था। तो उन्होंने क्या किया, जो मैसेंजर थे उनके, तो जो मैसेंजर को उन्होंने जो है वो भेजा, मतलब जो जो डिस्टेंट लैंड थी कॉल अराटा वगैरह, जो वहाँ पे उनको अपने वो Enmerkar ने जो है अपने मैसेंजर को ये सिटीज में या ये जो लैंड है वहाँ पे भेजा। और फिर क्या हुआ देखते हैं। द मैसेंजर हेडेड द वर्ड ऑफ किंग, बाय नाइट ही वेंट जस्ट बाय द स्टार्स, बाय डे ही वुड गो बाय हेवन सन डिवाइन, ही हैड टू गो अप इनटू द माउंटेन रेंजेस एंड हैड टू कम डाउन आउट ऑफ द माउंटेन रेंजेस, द पीपल ऑफ सुसा which is a city below the mountains saluted him like a tiny mice, 5 mountain ranges, 6 mountain ranges, 7 mountain ranges he crossed. तो ये सब चीज़ें हैं, ये पोएम्स है बेसिकली, तो ये सब वहाँ पे लिखी गई है। द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अराटा, तो क्या हो गया, जो मैसेंजर गया था वहाँ पे उसको जो है वो चीफ नहीं मिला। टू पार्ट विद द लापिस लाजुली और सिल्वर एंड ही हैड टू मेक द लॉन्ग जर्नी बैक एंड द फोर्थ अगेन एंड अगेन कैरिंग थ्रेड्स एंड प्रोमिसेज फ्रॉम द किंग ऑफ द उरुक। तो ऐसा था, फिर बाद में क्या हुआ, अल्टीमेटली द मैसेंजर ग्रू वियरी ऑफ माउथ, ही गॉट ऑल द मैसेजेस मिक्सड अप, देन Enmerkar फॉर्म अ क्ले टैबलेट इन हिज हैंड एंड ही रोट वर्ड्स डाउन, एंड इन दोज डेज देर हैड बीन नो राइटिंग डाउन ऑफ द वर्ड्स ऑन द क्ले। तो ये है स्टोरी Enmerkar के बारे में। ओके, द पोएट मीन्स दैट वंस द मैसेंजर एंड मैसेंजर हैड क्लाइम टू अ ग्रेट हाइट, एवरीथिंग अपीयर्ड स्मॉल इन द वैली फार बिलो। तो यहाँ पे ये ऐसा है, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे क्यूनिफॉर्म लेटर्स वेयर वेज शेप्स हेंस लाइक द लाइक नेल्स।
given a written tablet, the ruler of Arata examined the clay. तो सबसे पहले तो क्या हो गया, तो सबसे पहले तो जो अनमर्कर था उसने उसको जो है वो लापिस लाजुली वगैरह चाहिए था, तो उसने क्या किया जो है अराटा की सिटी जो है वहाँ पे उसने अपने मैसेंजर भेजे, जो हमने देखा अभी। तो मैसेंजर को क्या हो गया कि मैसेंजर का मैसेज तो वो जो अराटा के जो थे वो रूलर को तो सुन नहीं रहे थे, फिर बाद में बार बार वो जो मैसेंजर है अराटा में जा रहा था, फिर बाद में वापस में सर जो है उरुक में आ रहा था, फिर से जा रहा था, फिर से आ रहा था, फिर बाद में एक बार क्या हुआ कि जो अपने जो अपने जो स्टोरी के हीरो है, जो अपने जो किंग है, क्या नाम था उनका, क्या नाम था, इरमरकर नाम था ना कुछ ऐसा ही कुछ नाम था, देखते हैं क्या था, मैं भी भूल गई, हाँ अनमरकर जो नाम था उनका। तो ये जो अनमरकर है उन्होंने क्या किया जो है उनके जो मैसेंजर है, मैसेंजर के हाथ में जो है वो टैबलेट जो थी जो क्ले की बनाई हुई उसके ऊपर जो मैसेज लिखकर वो उनके हाथ में थमा दी, और फिर जो है मैसेंजर गया अराटा में, फिर अराटा के रूलर ने क्या किया, वो जो क्ले की जो जो ये थी टैबलेट थी उसको उसने एग्जामाइन किया अच्छे से, फिर द स्पोकन वर्ड्स वेयर नेल्स, हिज फेस वॉज फ्रॉनिंग एंड ही केप लुकिंग एट द टैबलेट। तो वो उन्होंने क्या किया कि वो टैबलेट की तरफ देख ही रहे थे, बस देख ही रहे थे, फिर क्या आगे क्या हुआ, दिस शुड नॉट बी टेकन एज अ लिटरल ट्रूथ बट इट कैन बी इन्फर्ड दैट इन मेसोपोटामियन अंडरस्टैंडिंग इट वॉज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग। अच्छा तो फिर इसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनाइज किंगशिप, किंगशिप की वजह से ये जो है ट्रेड वगैरह जो है और राइटिंग वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई। दिस पोएम ऑल्सो टेल्स अस दैट बिसाइड्स बीइंग अ मीन्स ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस अफार, राइटिंग वॉज सीन एज अ साइन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ द मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर। तो राइटिंग जो है वो मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर की सुपीरियरिटी भी दर्शाता है। आगे देखते हैं अर्बनाइजेशन इन द सदर्न मेसोपोटामिया टेम्पल्स एंड द किंग्स। चलो देखते हैं क्या है ये अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इन द सदर्न मेसोपोटामिया टेम्पल्स एंड द किंग्स के बारे में। सो फ्रॉम 5000 BCE settlements had begun to develop in the southern Mesopotamia and the earliest city emerged from some of these settlements. So these were of various kings. So those that gradually developed around temples, those that developed as centers of the trade and imperial cities. देखिए क्या क्या था जो है अलग 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 जो थे वो किंग्स थे, डिफरेंट काइंड ऑफ किंग थे, जैसे कि जो है वो जो कुछ किंग जो है वो जो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हो गए, जो कुछ किंग्स है वो सेंटर्स ऑफ द ट्रेड के अराउंड डेवलप हो गए, और कुछ किंग्स जो है वो इम्पीरियल सिटीज के अराउंड डेवलप हुए। तो इट इज सिटीज ऑफ द फर्स्ट टू काइंड्स दैट वी विल डिस्कस हियर। सो अर्ली सेटलर्स लाइक देयर ओरिजिन्स आर अननोन बिगैन टू बिल्ड एंड rebuild temples at selected spots in their villages, and the earliest known temple was small shrine made of unbaked brick. देखिए जो सबसे पहला जो था एकदम पुराना जो था temple था यहाँ पे मेसोपोटामिया में, वो जो था वो बना था unbaked bricks को use करते हुए, और temples were the residences of various gods of the moon god of Ur or of Inanna the goddess of love and the war. So Inanna कौन थे, Inanna जो थे वो goddess of मतलब देवी थी love and war की। आगे देखते हैं construction constructed in the brick temples becomes larger over time with several rooms around the open courtyard. अभी सबसे पहले तो ये जो है वो जो ये जो temples है वो तो सबसे पहले तो मतलब जो है unbaked brick है उसको use करते हुए बनाया गया है, थोड़े थोड़े बाद में जैसे कि development होता है, हमने last chapter में देखा जैसे evolution कैसा हुआ आदमी का, तो same way ये भी ऐसा ही है, जैसे कि सबसे पहले मतलब अच्छा नहीं होगा मतलब जो है कंस्ट्रक्शन का स्टाइल वगैरह, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा इवॉल्व हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो एकदम सिंपल से थे ये टेम्पल, फिर बाद में जो है सेवरल रूम्स हो गए वो, फिर ओपन कोर्टयार्ड वगैरह भी उसमें ऐड हुए। सम ऑफ द अर्ली वंस वेयर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस फॉर द टेम्पल वॉज द हाउस ऑफ द गॉड, बट टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउटर out at regular intervals which no ordinary building heavy
सॉरी एवर एवर हैड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है वो टॉप व्यू आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे जो है वो फायर अल्टार है, यहाँ पे जो है वो ओवन है, यहाँ पे जो है वो एंट्रेंस है। तो गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप, जो है वो वर्शिप का फोकस क्या था, गॉड था बेसिकली। सो टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन कर्ड एंड फिश, सो जो गॉड थे उनके लिए लोग क्या क्या लाते थे, जो उनके पास जो होगा खुद उनके पास ऑफर करने के लिए वो ही चीज़ें लाएंगे, राइट। तो किसी ने ग्रेन लाया, कोई कर्ड लाता था, कोई फिश लाता था। द फ्लोर्स ऑफ सम अर्ली टेम्पल्स हैड थिक लेयर्ड ऑफ द लेयर्स ऑफ द फिश बोन्स। देन क्या हुआ, द गॉड वॉज ऑल्सो द थियोरटिकल ओनर ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड। सो गॉड जो है, तो बेसिकली जो गॉड को है वो जो एग्रीकल्चर फील्ड का जो ओनर कहते थे, तो वो गॉड को कहते थे ये लोग। फिर फिशरीज का भी ओनर कौन था, गॉड ही था। एंड द हर्ड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। देन इन द टाइम द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड द वीविंग वुलन क्लॉथ वॉज ऑल्सो डन इन द टेम्पल। सो फिर बाद में क्या हुआ, तो ये जो प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि ऑयल प्रेस करना हो गया, या ग्रेन ग्रेन करना हो गया, या स्पिनिंग हो गया, या वीविंग ऑफ क्लोथ्स वगैरह हो गया, वुलन क्लोथ्स वगैरह, तो ये सारी जो चीज़ें थे वो टेम्पल्स में होने लगी। फिर ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल अबाउट द हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर ऑफ द मर्चेंट्स एंड कीपर्स ऑफ द रिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन्स, प्लव एनिमल, ब्रेड, बियर, फिश एट्सेट्रा। ओके, तो ये सब वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल अबाउ द हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स एंड कीपर्स ऑफ रिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट ऑफ द ग्रेन, प्लव एनिमल्स, ब्रीड, बियर, फिश एट्सेट्रा, द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप्ड इट्स एक्टिविटीज एंड बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। तो क्या हो गया कि ये सारी जो एक्टिविटीज थी वो टेम्पल में होने लगी बेसिकली, और फिर जो था वो टेम्पल बिकेम अ मेन सेंटर ऑफ अर्बन इंस्टीट्यूशन। बट देयर वॉज ऑल्सो अनदर फैक्टर्स ऑन द सीन। सो क्या हो गया कि टेम्पल बेसिकली मतलब अभी ये लोगों की मतलब उनकी जो ऐसी थिंकिंग होगी शायद से कि अभी जो भी स्किल्स है वो जो भी वो चीज़ें करते थे तो उसके लिए किसी को भी उन्होंने जैसे गॉड मान लिया, और उन सारों मतलब वो सारी जो चीज़ें हैं वो मतलब पहले गॉड को ऑफर करते होंगे, और फिर गॉड ही जैसे कि हर एक चीज़ में वो उनको गॉड देखते होंगे, हर काम में मतलब वो गॉड देखते होंगे, अपना जो काम करना है जो वो धर्म होगा, और फिर वहीं पे मतलब वो सब चीज़ें हैं वो मतलब जो है वो मतलब उसका जो है क्या क्या कह सकते हैं हम इसको, वो ग्रेजुअली डेवलप होने लगी टेम्पल्स में ही ये सारी चीज़ें। तो बस इसकी वजह से वो टेम्पल ज़्यादा पावरफुल हो रहा था धीरे धीरे। फिर बाकी भी चीज़ें थी वहाँ पे, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर वॉज अ सब्जेक्ट टू हजार्ड एंड नेचुरल आउटलेट चैनल ऑफ यूफ्रेटिस would have too much water one year and the flood the crops and the sometimes they would change course altogether। तो क्या था कि जो जो यूफ्रेटिस रिवर्स थी तो उसको ना कभी कभी फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाता था, और सारे के सौ जो क्रॉप्स है वो बह जाते थे, तो और उसका कभी कभी क्या होता था कि उसका जो कोर्स है वो भी पूरा का पूरा कोर्स उसका नदी का चेंज हो जाता था, तो उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज, विलेजेस वेयर पीरियोडिकली रिलोकेटेड इन द मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड देयर वेयर मैन मेड प्रॉब्लम्स एज वेल। तो इस ये जो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो है टेम्पल्स में जो है वो फैक्ट्री मतलब फैक्ट नॉट रियली फैक्ट्रीज बट ये सारी चीज़ें जो है ट्रेड वगैरह की वो वहाँ पे होने लगी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह टेम्पल्स में होने लगा। सेकेंडली हमने देखा कि एग्रीकल्चर वगैरह दो ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो है मेसोपोटामिया प्रॉस्परस था, लेकिन फिर क्या हो गया कुछ प्रॉब्लम भी थी जैसे कि सिटी लाइफ में, जैसे कि यूफ्रेटस में जो है फ्लड वगैरह की वजह से वो क्रॉप्स वगैरह सारा बह जाता था, प्रॉब्लम्स होते थे, और फिर बाकी भी प्रॉब्लम्स थे जैसे कि मैन मेड प्रॉब्लम थे, जैसे कि आज भी बहुत सारे मैन मेड प्रॉब्लम है जैसे कि पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन मेड ही है, तो ह्यूमन कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसी की वजह से हम सबको ये प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे, और फिर पोल्यूशन की वजह से कह दीजिए या बहुत सारी चीज़ों की वजह से जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं आजकल, बहुत सारी बीमारियाँ भी बहुत सारी बढ़ गई है, तो इसके लिए हम ही कहीं ना कहीं कारणीभूत है ये इन सब चीज़ों के लिए। देखिए पढ़ते हैं आगे क्या, तो दोज हु लाइव्ड ऑन द अपस्ट्रीम स्ट्रेचेस ऑफ द चैनल कुड डाइवर्ट सो मच वाटर इनटू देयर फील्ड दैट विलेजेस डाउनस्ट्रीम वेयर
left without water, or they could neglect to clean out the silt from their stretch of the channel, blocking the flow of the water further down. So the early Mesopotamian countryside saw repeated conflicts over the land and the water. तो यहाँ पे basically इनका जो था वो जो ऊपर का मतलब जो ऊपर के जो साइड पे जो लोग रहते थे तो वो जो था वो जो नदी का जो चैनल था वो डाइवर्ट कर लेते हैं उसका पानी और अपने खेतों में वो डाइवर्ट करते होंगे और उसकी वजह से जो है नीचे वाले जो जो खेत है नीचे वाले जो एरिया है वहाँ पे उन लोगों को पानी नहीं मिलता होगा और उसकी वजह से वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह झगड़े वगैरह होते थे. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जस्ट लुक एट दिस. ये क्या है, ये अ टेम्पल ऑफ अ लेटर पीरियड ऑफ 3000 BCE विथ एन ओपन कोर्ट यार्ड एंड इन एंड आउट फसाड एज एक्सकेवेटेड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन एंड आउट फसाड है यहाँ पे, ये जो है वो पीछे आगे कोर्ट यार्ड वगैरह सब कुछ है यहाँ पे. तो ये जो एक्सकेवेट किया गया है तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक्सकेवेट किया गया है मतलब पूरा इसके ऊपर ये रेती वगैरह वो जो है मड़ वगैरह की वजह से पूरा ढक गया था, नीचे चला गया था. ये सारा एक्सकेवेट किया गया तब जाके पता चला कि ऐसा कुछ टेम्पल था, पूरा का पूरा ये एक्सकेवेशन किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा. अच्छा है चलो देखते हैं आगे क्या पता चलता है हमें. तो व्हेन देयर वाज कंटिन्यूस वारफेयर इन रीजन, अभी अभी हमने देखा वारफेयर का रीजन क्या था, पानी जो था लोग अपने खेतों में मतलब उसका जो है डाइवर्ट कर लेते, इसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते थे. तो दो चीफ हु हैड बीन सक्सेसफुल इन द वॉर वुड ऑब्लाइज देयर फॉलोअर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द लूट एंड कुड टेक प्रिजनर्स फ्रॉम डिफीटेड ग्रुप्स टू एम्प्लॉय एज देयर गार्ड्स और सर्वेंट. तो झगड़े होने के जो मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो लोग तो कबीले में रहते थे राइट, उनका कुछ चीफ भी होंगे तो इन चीफ्स में बेसिकली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वॉर्स होते थे और जो वॉर में जो जीत जाएगा तो जो हारा है वो जो हारे हैं वो लोगों को जो जीता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको फॉलोअर बनना पड़ेगा और जो है वो जो जीत गया है वो जो हारे हैं उन सारे लोगों को प्रिजनर बना लेगा और या गार्ड बना लेगा या अपना सर्वेंट बना लेगा. सो दे कुड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस एंड क्लाउड. सच वॉर लीडर्स हाउएवर वुड बी हियर टुडे एंड गॉन टुमारो. देखिए जो है ऐसे जो वॉर लीडर है जो आज है कल नहीं होंगे. अंटिल अ टाइम केम व्हेन सच लीडरशिप केम टू इंक्रीज द वेल बींग ऑफ द कम्युनिटी विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस. इन दिस टाइम विक्टोरियस चीफ्स बिगैन टू ऑफर प्रीशियस बूटी to the gods and thus beautify the community's temple. तो जो ऐसे जो चीफ है वो क्या करते थे फिर जो है वो टेम्पल्स को प्रीशियस बूटी जो है ऑफर करते थे और जो है वो जो टेम्पल्स थे उनको ब्यूटिफाई करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया. दे वुड सेंड मैन आउट टू द फेच फाइन स्टोन्स एंड मेटल फॉर द बेनिफिट ऑफ द गॉड एंड कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्पल वेल्थ इन एंड एफिशियंट वे बाय अकाउंटिंग फॉर थिंग्स दैट केम इन एंड वेंट आउट. एज द पोएम अबाउट द अनमार्कर शो दिस गेव द किंग हाई स्टेटस एंड द अथॉरिटी टू कमांड द कम्युनिटी. हमने अभी अभी देखा था, अभी पोएम हमने पढ़ी जो अनमार्कर जो हमारा जो रूरल था, कहाँ का रूरल था ये रुक का रूलर था. तो उन्होंने क्या किया था, वो ट्रेड वगैरह उन्होंने ही शुरू किया था. उन्होंने जो हमने देखा था ना वो मैसेंजर, उनको जो लापिस लजुली जो चाहिए था वो स्टोन चाहिए था उसकी वजह से उन्होंने अपना मैसेंजर भेजा था और वो सारी स्टोरी हमने देखी. तो ये है उनके बारे में. तो वी कैन इमेजिन म्यूचुअली री एनफोर्सिंग साइकिल ऑफ डेवलपमेंट इन विच लीडर्स एनकरेज द सेटलमेंट्स ऑफ द विलेजेस क्लोज टू देमसेल्फ टू बी एबल टू रैपिडली गेट एन आर्मी टूगेदर. बिसाइड्स people would be safe living in close proximity to one another. At Uruk, one of the earliest temple towns, we find depictions of armed heroes and their victims, and careful archaeological surveys have shown that around 3000 BCE, when Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares, twice as large as Mohenjo-daro would be in the later centuries, dozens of small villages were deserted and there had been a major population shift. Significantly, Uruk also came to have a defensive wall at a very early date. The site was continuously occupied from about 4200 BCE to about 400 CE
And by about 2800 BC, it had expanded to the 400 hectares. तो ये सब हो गया है उरुक के बारे में, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं. चलो देखिए यहाँ पढ़ते हैं आगे क्या हुआ. तो वार कैप्टिव्स एंड लोकल पीपल्स वेर पुट टू वर्क फॉर टेम्पल्स और डायरेक्टली फॉर द रूलर. सो वॉर कैप्टिव्स जो थे, मतलब जो वॉर में जो इन जिन लोगों को कैप्चर किया था या लोकल पीपल्स थे, उनको क्या कर दिया गया, टेम्पल्स के लिए काम करने के लिए उनको रखा गया या रूरल के पास ही, मतलब काम करने के लिए उनको रख लिया गया. दिस लैटर दिस रादर देन एग्रीकल्चरल टैक्स वॉज कंपल्सरी दोज हु वेयर पुट टू वर्क वेयर पेड राशंस. तो जैसा ऐसा है कि जिनको काम करना था उनको राशन मिलता था. और हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट हैव बीन फाउंड विच गिव अगेंस्ट पीपल नेम्स द क्वान्टिटीज ऑफ द ग्रेन क्लोथ्स और ऑयल अलॉटेड टू देम. इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ द टेम्पल्स टुक 1500 मेंस वर्किंग 10 आवर्स अ डे 5 ईयर्स टू बिल्ड. जैसे कि वो काम करेंगे तो उनको जो है, मतलब टेम्पल्स बिल्ड करने के लिए उनको रखा जाता था और उनके इन रिटर्न उनको जो है वो राशन मिलता था. इसके जो है वो रिकॉर्ड्स फाइंड आउट किए गए हैं, रिकॉर्ड्स मिले हैं उसके. ओके, यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रही होंगी. तो ये क्या है, वो जो है ये बसाल्ट स्टील है शोइंग अ बियर्डेड मैन. यहाँ पे जो है वो बियर्डेड मैन है, क्या कर रहा है वो, तो बियर्डेड मैन ट्वाइस नोट हिज हेड बैंड. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हेड बैंड जो है वो देख सकते हैं, इसका जो है वेस्ट बैंड भी आप देख सकते हैं और इसका जो है वो लॉन्ग स्कर्ट भी आप देख सकते हैं. तो इन द लोअर सीन, यहाँ पे अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे इन द लोअर सीन ही अटैक्स अ लायन विच विद अ ह्यूज बो एंड एरो. इन द सीन अबाव द हीरो फाइनली किल्स द रैम्पेंट लायन विद अ स्पीयर. तो यहाँ पे जो है वो आदमी भी दिख रहा है, ये लायन को किल कर रहा है और यहाँ पे जो है वो बो से ये कर रहा है, उसको मार रहा है, उस लायन को मार रहा है, ये इस सीन में दिखाया गया है. तो विद रूलर्स कमांडिंग पीपल टू फेच स्टोन्स और मेटल ओर्स टू कम एंड मेक ब्रिक्स और ले द ब्रिक्स फॉर टेम्पल्स और एल्स टू गो टू अ डिस्टेंस कंट्री टू फेच सूटेबल मटेरियल्स. देयर वेर ऑल्सो टेक्निकल एडवांसेस एट उरुक अराउंड 3000 BCE. Bronze tools came into use for various crafts. Architects learned to construct brick columns, there being no suitable wood to bear the weight of the roof of the large halls. Okay, तो ऐसा था कि ऐसा कोई suitable wood नहीं था कि जो जो है ना roof का जो है weight carry कर सकेगा और large halls के लिए. तो फिर उस वजह से जो architects थे वो brick का column करने को construct करना सीख गए. Hundreds of peoples were put to work at making and baking clay cones that could be pushed into the temple walls, painted in different colors, creating colorful mosaics. Okay, so ये सब था वहाँ पे. In sculpture, there were superb achievements. Not in easily available clay, but in imported stones. And then there was a technological landmark that we can see is appropriate to an urban economy, the potter's wheel. In the long run, the wheel enables a potter's workshop to mass produce dozens of similar pot at a time. Okay, वो स्टील्स क्या थे, स्टील्स आर स्टोन स्लैब्स विद इंस्क्रिप्शंस ऑन कार्विंग. जो है स्टील्स क्या है, स्टील्स जो है वो स्टोन्स है, स्टोन स्लैब्स है जिसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस और कार्विंग्स होंगे. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी एक है, ये जो स्टोन स्लैब है जिसके ऊपर जो है आप इंस्क्रिप्शंस देख सकेंगे. तो ये जो है वो इम्प्रेशन ऑफ अ सिलेंडर स्टील विच इज 3200 BCE ओल्ड. सो The bearded and armed standing figure, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो bearded और armed है, उसके हाथ में spear है और ये जो है वो standing figure है. It's similar to the dress and the hairstyle to the hero in the steel shown above. अभी अभी हमने देखा जिसने वो lion को kill किया, वो जो figure थी और ये जो figure थी वो same है. Note three prisoners of war. तो ये जो है वो three prisoners आप देख सकते हैं, ये prisoners हो गया, ये prisoner हो गया, ये prisoners हो गया. तो देयर आर्म्स आर बाउंड, जो है उनके हाथ जो है वो बंधे हुए हैं. एंड फोर मेंस बेसिचिंग द वॉर लीडर. तो ये आप देख सकते हैं ये जो है वो ये वॉर लीडर है. ये सब, ये सारा सीन यहाँ पे दिखाया गया है, कहा किया गया है स्टील्स के ऊपर. स्टील जो है वो, स्टील्स मतलब क्या, जो स्टोन स्लैब्स है उसके ऊपर
इंस्क्रिप्शंस या कार्विंग्स होगी, तो ये भी एक स्टील ही है जिसके ऊपर कार्विंग की गई है। चलो पढ़ते हैं कुछ स्टील के बारे में। स्टील जो है ये भी एक अर्बन आर्टिफैक्ट ही है। आप हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ये जो स्टील है उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स कार्व किए गए हैं। तो देखते हैं, इन इंडिया अर्ली स्टोन स्टील्स वर स्टैम्प्ड इन मेसोपोटामिया अंटिल द एंड ऑफ फर्स्ट मिलेनियम BCE। सिलिंड्रिकल स्टोन सील्स पियर्स डाउन द सेंटर वेर फिटेड विद अ स्टिक एंड रोल ओवर वेट क्ले सो दैट अ कंटिन्यूस पिक्चर वॉज क्रिएटेड। जो क्या था ऐसे देखिए, अभी ये जो है ऐसा एक ये सिलिंड्रिकल ये स्टैम्प जैसा बना दिया और ये जो है क्ले है उसके ऊपर अभी रोल कर दिया, तो ये कंटिन्यूस जो है वो ये पिक्चर बन जाएगा, ये इंस्क्राइब हो जाएगा। तो देयर वर कार्व्ड बाय वेरी स्किल्ड क्राफ्टमैन एंड समटाइम्स कैरी राइटिंग्स द नेम ऑफ द ओनर हिज गॉड हिज ऑफिशियल पोजिशन एटसेट्रा वर रिटन देयर एंड अ सील कुड बी रोल्ड ऑन द क्ले कवरिंग द स्ट्राइकिंग नॉट ऑफ द क्लॉथ पैकेज और अ माउथ ऑफ अ पॉट कीपिंग अ कंटेंट सेफ। When the roll on a letter written on a clay tablet, it became a mark of authenticity. So the seal was the mark of a city dweller's role in the public life. So ये देख लिया ना आपने, ये एक cylindrical जो है एक cylindrical seal है और ये roll किया जाएगा और फिर इसके ऊपर जो है वो ऐसे जो continuous है जो pictures है वो form हो जाएंगे। सिमिलर मेथड वॉज यूज इन नो मतलब जो कपड़े की जो ये जो है पेंटिंग करते हैं कपड़े ऊपर, तो ऐसे ही मतलब ये होते हैं इसको इसको अभी डाई में डुबो दिया और फिर पूरा का पूरा उसको छाप दिया, तो ये भी एक टेक्निक है क्लोथ को मतलब कलर करने की। तो दिस इज अ फाइव दीज आर फाइव अर्ली सिलिंड्रिकल सील्स, यू कैन सी हियर 1, 2, 3, 4 and 5 एंड देयर इंप्रेशंस यू कैन सी हियर। सो ये सील्स है, उनके इंप्रेशंस आप देख सकते हैं। तो ये हो गया सील्स के बारे में। अभी पढ़ते हैं समथिंग अबाउट द लाइफ इन द सिटी। ओके, तो कैसी थी लाइफ इन द सिटी? न्यूक्लियर फैमिली कंप्राइजेस अ मैन हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रन। सो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या? न्यूक्लियर फैमिली मतलब वहाँ पे कौन कौन होगा? अ मैन होगा, इसकी बीवी होगी और उनके बच्चे होंगे, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। वॉट वी हैव सीन इज दैट अ रूलिंग एलाइट हैड इमर्ज्ड। A small section of society had a major share of wealth. Even today is also like if we consider about if we look at the GDP of India or we can say the wealth of India, then almost you know जो 50% wealth जो है वो 1% जो लोग हैं उन्होंने carry की हुई है। Nothing makes this fact as clear as the enormous riches like jewelry, gold vessels, wooden musical instruments inlaid with white shells and lapis lazuli, ceremonial daggers of gold, etc. buried with some kings and queens at Ur, but what of the ordinary people? तो जो kings वगैरह थे उनके जो दे graves थे, तो उनके साथ जो है वो jewelry वगैरह ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पे रखी थी, उसकी वजह से हमें उनका आइडिया मिलता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है उनकी लाइफ कैसी थी उसका आइडिया हमें कैसे मिलेगा, उसका नॉलेज हमें कैसे मिलेगा? चलो देखते हैं। वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट डिस्प्यूट्स इनहेरिटेंस मैटर एटसेट्रा। जी अभी हमने देखा कि जो है वो उनको जो मतलब फाइट्स होती थी, कॉन्फ्लिक्ट होते थे जगह की वजह से या पानी की वजह से। तो मतलब पानी अगर किसी ने डाइवर्ट कर लिया अपनी खेतों में, तो जो नीचे वाला जो आदमी है जिसके खेत में पानी नहीं जा रहा है, तो वो तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, राइट? तो ये सब चीज़ें थे, तो वो जो उसकी जो है वो डिस्प्यूट जो थे, वो जो मैटर्स जो थे इनहेरिटेंस मैटर्स वगैरह जो थे वो लीगल टेक्स्ट में है। तो मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट दैट इन द मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली वॉज द नॉर्म ऑल्दो अ मैरिड सन एंड हिज फैमिली ऑफन रिसाइडेड विद हिज पेरेंट द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। देखिए जो है यहाँ पे फादर जो थे वो हेड ऑफ द फैमिली थे। वी नो अ लिटिल अबाउट द प्रोसीजर्स फॉर मैरिज। अ डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी। द ब्राइड्स पेरेंट्स गिव देयर कंसेंट टू द मैरिज। देन अ गिफ्ट वॉज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल टू
द ब्राइड्स पीपल, जैसे है कि जो 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 मतलब जो ब्राइड के जो पेरेंट होंगे उनकी परमिशन अगर होंगी तो ब्राइड का मतलब मैरिज हो जाएगा ग्रूम के साथ। और फिर ग्रूम्स के जो मतलब पीपल हैं जो बाराती होंगे तो वो क्या बाराती नहीं, मतलब बाराती नहीं, लेकिन जो ग्रूम की साइड के जो पीपल है वो गिफ्ट देंगे ब्राइड्स के पीपल को। वेन द वेडिंग टुक प्लेस, फिर बाद में जब जब शादी हो जाती है तो क्या होगा कि गिफ्ट्स वेयर एक्सचेंज बाय बोथ द पार्टीज। तो गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, इवन टुडे ऑल्सो ऐसा होता है कि बहुत सारी शादियों में नहीं क्या देखते हैं हम गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज होते हैं, मतलब लड़की वाले और लड़कों वाले मतलब गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। तो ऐसा चलता था तब भी मेसोपोटामिया में। तो देखते हैं आगे, हु एट टुगेदर एंड मेड ऑफरिंग्स इन द टेम्पल। तो देखिए अभी भी जैसे शादियों में जो है ना ऑफर किया जाता है, खाना खाते हैं लोग, तो वहाँ तब भी ऐसा था कि जैसे टुगेदर वो सब लोग जो शादी में अगर कोई अटेंड करना आता है तो खाना खाते थे और ऑफरिंग्स टेम्पल में करे जाते थे। वेन हर मदर इन लॉ केम टू फेच हर, द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस बाय फादर। देखिए अभी क्या था कि जो मदर इन लॉ जो है जब आती थी तो उनको लेने आती थी तो ब्राइड जो है वो क्या करती थी, उसका उनका जो इनहेरिटेंस का शेयर है तो उनको मिलता था उनकी फादर की साइड से। और द फादर्स हाउस हर्ट्स फील्ड्स एट्सेट्रा वेर इनहेरिटेड बाय दी सन्स। जो फादर्स फादर का जो हाउस वगैरह जो था मतलब जो हर्ट्स फील्ड्स वगैरह, तो ये जो है वो उनके सन्स से इनहेरिट किया जाता था। लेकिन जो मतलब मदर इन लॉ का जो होगा जो भी, तो वो जो है उनका जो शेयर होगा तो वो उनको मतलब जो है वो फादर का जो फादर से उनकी बेटियों को मतलब जो है जो ब्राइड है हमारी तो उसको दिया जाता था। अभी आगे देखते हैं, लेट अस लुक एट द उर, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी टू हैव बीन एक्सकैवेटेड। उर वॉज अ टाउन हुज ऑर्डिनरी हाउसेज वेयर सिस्टमैटिकली एक्सकैवेटेड इन 1930s। तो ये कब एक्सकैवेट हुआ, ये 1930s में एक्सकैवेट हो गया ये जो है वो उर सिटी। तो नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स इंडिकेट्स दैट व्हील्ड कार्ट्स कुड नॉट हैव रीच्ड मेनी ऑफ हाउसेस। सैक्स ऑफ ग्रेन्स एंड फायरवुड वुड हैव अराइव्ड ऑन द डोंकी बैक, एंड नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स एंड द इरेगुलर शेप्स ऑफ हाउस प्लॉट्स ऑल्सो इंडिकेट एन एबसेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। देर वेर नो स्ट्रीट ड्रेन्स ऑफ काइंड वी फाइंड इन कंटेम्प्रेरी मोहनजोदारो। ड्रेन्स एंड क्ले पाइप्स वर इंस्टेड फाउंड इन इनर कोर्टयार्ड्स ऑफ दी उर हाउसेस, एंड इट इज थॉट दैट हाउस रूफ स्लोप्ड इनवर्ड एंड रेन वाटर चैनल्ड वाया ड्रेन पाइप्स इनटू द सम्स। जो क्या करते थे बेसिकली, जो इसकी जो प्लानिंग थी सिटी की ऐसी थी कि जो ऊपर जो पानी गिरता था वो जो है अंदर की साइड से जैसे इनवर्ड थे, जो स्लोप थे जैसे कि अभी भी कैसे आप हमने देखा होगा कि स्लोप जो है वो मतलब घर ऐसे होंगे तो जो रेन वाटर जो है वो बाहर गिरेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि जो स्लोप थे वो अंदर थे, बीच में कोर्टयार्ड था तो जो पानी था वो अंदर गिरता था और जो फिर वो जो रेन वाटर जो है वो ड्रेन पाइप के ऐसे चैनल किया था कि वाया ड्रेन पाइप तो ये सम्स के अंदर चला जाएगा, अंदर कोर्टयार्ड के अंदर। सो दिस वुड हैव बीन अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द अनपेव्ड स्ट्रीट्स फ्रॉम बिकमिंग द एक्सेसिवली स्लशी आफ्टर अ डाउन पोर। जैसे कैसा था बेसिकली, जो था वो जो जो सिटी थी, जो सिटी जो प्लानिंग की थी सिटी की, तो ये जो घर थे वो नीचे थे और बाहर का जो रास्ता था वो थोड़ा ऊपर था। तो अगर अगर ये जो स्लोप से अगर बाहर की तरफ करते हैं तो क्या होगा, ये जो पानी होगा वो बाहर गिरेगा और फिर सारा का सारा वो जो कीचड़ वगैरह है वो बनेगा और फिर बाहर से घरों की तरफ आ जाएगा। तो ये ऐसा ना हो इस वजह से ये जो स्लोप है वो घरों के अंदर की तरफ बनाए हुए थे। तो उस वजह से क्या होगा कि पानी जो है वो रास्ते में या जो जो रास्ते है वहां पे ना जाए, बाकी के स्पेस में ना जाए, घर में घरों के अंदर जो कोर्टयार्ड है वहां पे वो आ जाए और फिर तकलीफ ना हो लोगों को। इस वजह से इस तरह की प्लानिंग वहां पे की गई थी। चलो, तो ये पीपल सीम्स टू हैव स्वेप्ट ऑल देयर हाउसहोल्ड्स रिफ्यूज्ड इन टू द स्ट्रीट्स टू बी ट्रॉडन अंडर फुट। सो दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज एंड ओवर टाइम थ्रेशोल्ड्स ऑफ द हाउसेस हैड ऑल्सो टू बी रेज सो दैट नो मड वुड फ्लो इनसाइड आफ्टर द रेन्स। लाइट केम इन टू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज बट फ्रॉम द डोरवेज ओपनिंग इन टू द कोर्ट यार्ड्स। दिस वुड ऑल्सो हैव गिवन फैमिलीज देयर प्राइवेसी। देखिए तो प्राइवेसी भी मिलती थी और जो विंडोज वगैरह थी वहां से लाइट आती थी। सो
there were superstitions about the houses recorded in the Omen tablets at Ur. A raised threshold brought wealth. A front door that did not open towards another house was lucky. जो मतलब जो दरवाजे थे वो जो फ्रंट डोर तो था अगर वो बाहर की साइड में अगर खुलता है तो वो अनलकी होगा और अगर जो है अंदर की साइड में अगर जो ओपन होता है तो वो लकी होगा ऐसा उनका सुपरस्टिशन था. बट इफ द मेन वुडन डोर ऑफ द हाउस ओपन्स आउटवर्ड इंस्टेड ऑफ इनवर्ड्स द वाइफ वुड बी टॉर्मेंट टू द हस्बैंड. ऐसा उनका जो सुपरस्टिशन था मतलब अगर जो बाहर अगर दरवाजा खुलता है तो वाइफ वुड बी अ टॉर्मेंट टू अ हस्बैंड ऐसा उनका सुपरस्टिशन था. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है एट उर 2000 BC. ये जो है प्लान आप कर सकते हैं देख सकते हैं उसका मतलब ये जो टॉप व्यू है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कहीं पे आपको दिख रहा है क्या वाइंडिंग स्ट्रीट वगैरह कुछ दिख रहा है क्या टू और थ्री ब्लाइंड अलाइज वगैरह ये जो देखिए ना मतलब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा बस ये एक वे है. बाकी तो पूरा मतलब ऐसा है कि बहुत बहुत पास पास में ही है बहुत बहुत छोटे है. तो फिर पानी गिरेगा अगर यहाँ पे तो बहुत सारा कीचड़ हो जाएगा राइट. तो ऐसा हाँ इस वजह से वो जो है वो जो मतलब स्लीट्स थे स्लोप्स थे जो छतों के वो अंदर की साइड की तरफ थे. देयर वाज अ टाउन सिमेट्री एट उर इन विच द ग्रेव्स ऑफ रॉयल्टी एंड कॉमनर्स हैव बीन फाउंड बट अ फ्यू इंडिविजुअल्स वेयर बरिड अंडर द फ्लोर्स ऑफ ऑर्डिनरी हाउसेस. तो कुछ कुछ इंडिविजुअल्स जो थे वो जो थे वो ऑर्डिनरी हाउसेस के अंडर ही जो जगह थी वहीं पे उनको दफन किया गया था. आगे हम पढ़ने वाले हैं समथिंग अबाउट द ट्रेड टाउन इन अ पास्टोरल जोन. आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल मारी फ्लरिश्ड. You will have noticed that Mari stands not the southern plain with its highly productive agriculture, but much further upstream on the Euphrates. Now, this map with its color coding shows that agriculture and animal rearing were carried out close to each other in this region. हमने ये जो map है ये पहले ही देखा है. हमने देखा था कि जहाँ पे जो है वो पहला वाला जो मैप हमने देखा था वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल एरिया था जो ऐसे डॉट्स वगैरह जो दिखाए हुए थे फिर टेजर्स थे वो जो है वो हमने जो देखा था. तो यहीं पे वो जो है वो जूम्ड उसका स्ट्रक्चर है. चलो देख लेते हैं ये जो है ये जो रिवर यूफ्रेटस का जो है वो जो वे है यहाँ पे जो दिख रहा है. तो ये जो लैंड है ये जो ग्रीन कलर की जो लैंड है ये लैंड फ्लडेड रहती है बेसिकली. तो ये लेट स्प्रिंग्स और ग्रेजिंग का जो पास्चर का जो एरिया है. फिर बाद में ये जो लोकेशन है जो ग्रीन डॉट्स हमें जो दिख रहे हैं ये क्या है ये एग्रीकल्चरल लैंड है. ये बोथ साइड्स ऑफ द रिवर यूफ्रेटस हमें दिखाई दे रही है. फिर ये जो येलो पोर्शन जो दिख रहा है ये क्या है ये टेरेसेस दैट कैनल वाटर कैनॉट रीच पास्चर लैंड. सो ये जो टेरेसेस है दैट कैनल वाटर जो है ये पास्चर लैंड की तरफ नहीं पहुँच सकते वैसे ये जो है टेरेसेस है. और फिर बाद में ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जो कलर्ड जो डार्क कलर्ड पोर्शन है ये क्या है पास्टरल लैंड है इन द स्प्रिंग्स. और फिर ये जो ये ब्लू कलर के जो ये डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है ये जो है वो सीजनल स्ट्रीम्स है. तो ठीक है तो सम कम्युनिटीज इन द किंगडम ऑफ मारी हैड बोथ फार्मर्स एंड द पास्चरिस्ट बट मोस्ट ऑफ इट्स टेरिटरी वॉज यूज फॉर पास्चरिंग शिप एंड द goats. Okay, आगे जो है वो ये herders need to exchange young animals, cheese, leather and meat in return of grain. So ये जो herders है जो ये जो उनके जो पास जो है जो young animals होंगे या cheese होगा या leather होगा या meat होगा तो ये जो है वो जो है जो एग्रीकल्चरिस्ट है चाहे जो फार्मर्स हैं उनको ये देंगे और उनकी तरफ से वो जो है वो ग्रेन लेंगे या मेटल टूल्स लेंगे. तो बेसिकली हमने देखा था पहले कि ये जो था वहाँ पे बार्टर मतलब वहाँ पे क्या थे कॉइन्स वगैरह थे करेंसी अभी तक नहीं इवॉल्व हुई है यहाँ पे. तो ये जो लोग हैं वो अपना जो है जो उनके पास वो प्रोड्यूस होगा वो अपना प्रोड्यूस दूसरे को देंगे और दूसरे की तरफ से जिनको जो चाहिए जो भी चीज़ वो उनसे एक्सचेंज कर लेंगे. इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम. And the manure of a penned flock is also a great use for the use to the farmer. So manure भी जो होगा तो वो भी farmer के लिए अच्छा उसका use होगा तो ये भी उनको देते होंगे.
फिर येट एट द सेम टाइम देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट द शेपर्ड मे टेक हिज फ्लॉक टू वाटर अक्रॉस अ सोन फील्ड टू रून ऑफ अ क्रॉप. तो इसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे. फिर हर्डमग्स बीइंग मोबाइल कैन रेड एग्रीकल्चरल विलेजेस एंड सीज देयर स्टोर्ड गुड्स. सो हर्ड्समैन जो है वो मोबाइल होंगे, कहीं पे भी घूमेंगे वगैरह, और फिर एग्रीकल्चरल विलेजेस वगैरह के उनके जो स्टोर्ड गुड्स वगैरह होंगे तो वो रेडेड वगैरह रेडिंग वगैरह को कर सकते हैं, जो रेड कर सकते हैं वहाँ पे. तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे. तो For their part, settled groups may deny pastoralists access to the rivers and canal waters along the certain set of the path. So, इस वजह से है ये जो है जो settled groups थे वो pastoralists को जो access नहीं देते थे उनके जो मतलब वो जो grazing वगैरह करने को, जो उनके जो animals है उनको अपने खेतों में वगैरह उनके जो जो land वगैरह है उसको वो access देना deny करते थे. Through Mesopotamian history, nomadic communities of the western desert filtered into the prosperous agricultural heartland. Shepherds would bring their flocks into the sown area into the summer, and number such groups would come into the come in as herders. Harvest laborers or hired soldiers occasionally become prosperous and settle down. A few gain the power to establish their own rule. These included the Akkadians, the Amorites, the Assyrians and the Arameans. Okay, now the king of Mari, kya ho gaya ye king of Mari ka, where Amorites whose dress differed from that of the original inhabitants and who respected not only the gods of Mesopotamia but also raised the temple at Mari for Dagon, who is a god of a steppe. So this was about the king of the Mari. Now Mesopotamian society culture were thus open to different people and culture, and the vitality of the civilization was perhaps due to the intermixture. Okay, अभी यहाँ पे हमें जो ये एक पिक्चर दिख रहा है ये क्या है, चलो देखते हैं. ये जो दिख रहा है आपको कुछ ये दिख रहा होगा, ये जो है तो क्या है. Here you can see a warrior who is holding a long spear and a weaker shield. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हाथ से उसने weaker shield पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में उसके spear है. आप इसका dress आप देख सकते हैं कि typical Amorites and different from that of Sumerian warrior. जो हमने पहले वाला देखा उसको जो थी दाढ़ी थी और उसका जो ड्रेस ऐसे यहाँ पे कमर बंद था उसका, और फिर उसके मतलब फ्रॉक जैसा एक ड्रेस उसने पहना हुआ था, स्कर्ट्स जैसा कुछ पहना हुआ था. इसका ड्रेस उनसे अलग है एंड दिस इज सो इनका ड्रेस जो है वो सुमेरियन से अलग है. तो दिस पिक्चर वॉज इन साइज ऑन द शेल 2600 BCE. Okay, so ये तो हो गया हमारा. चलो अभी देख लेते अ पैलेस एट मारी ऑफ किंग जिम्रिलिम. तो ये जो मारी का जो किंग था उसका नाम था जिम्रिलिम. टाइम पीरियड है 1810 टू 1760 BCE. चलो देख लेते हैं क्या है इसमें. ये जो है आपको जो ये थ्री स्ट्रक्चर आप देख सकते होंगे यहाँ पे, तो पूरा का पूरा ये जो है ये पैलेस का शायद स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा सा जो स्पेस है, ये है ऑडियंस हॉल है, आउटर कोर्ट है. तो यहाँ पे कहीं पे तो भी वो जो उनका किंग होगा जो बैठता होगा यहीं पे कहीं पे, और ये जो है वो ऑडियंस वहाँ पे होगी. तो ये जो हो गया ये इनर कोर्ट हो गया. यहाँ पे भी ये थ्रोन रूम आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो किंग जो बैठता होगा, और फिर ये कोर्ट वगैरह ये चीज़ें होंगी. और ये बाकी का जो है यहाँ पे तो वैसे समझ में नहीं आ रहा है क्या एग्जैक्टली, बट जहाँ पे लिखा है तो ये कुछ इस तरह सा उनका स्ट्रक्चर है. जैसे कि आप इमेजिन करिए कि हम ऊपर से ये सब चीज़ें इसका छत खोल दिया है और ऊपर से ये रूम्स देख रहे हैं, तो आपको ये ऐसा दिखेगा. व्हेनेवर वी आर गोइंग टू वी लुक एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम द टॉप, इसको कहते हैं प्लान और लेआउट. ओके, तो ये यहाँ पे दिख गया हमें एंट्रेंस गेट, यहाँ पे दिख गई हमें एक वेल है. तो यहाँ से ये एंट्रेंस गेट है, और फिर यहाँ से अंदर गए, फिर यहाँ पे जो है ऑडियंस वगैरह है, और फिर इधर से ये साइनर कोर्ट वगैरह, ये सारा जो है ये सारा ये स्ट्रक्चर है. चलो ये अभी नीचे देखते हैं क्या है. ये कोर्टयार्ड जो हमने ये कोर्टयार्ड देखा ऊपर, तो ये कोर्टयार्ड ऐसा था. तो ये यहाँ पे किसी ने स्केच निकाला हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ये यहाँ पे आपको कोर्टयार्ड नज़र आ रहा है. ये हो गई इसकी फ्लोरिंग, और ये यहाँ पे जो है वो झाड़ वगैरह आपको दिख रहे हैं.
फिर ये क्या है, ये तो अलग ही कुछ दिख रहा है, तो चलो देखते हैं ये क्या है। ये स्क्राइब्स ऑफिस विद द बेंचेस एंड क्ले बिन्स फॉर अ स्टोरिंग टेबल्स। तो हमने देखा था स्क्राइब्स क्या थे, स्क्राइब्स जो थे वो क्ले टैबलेट के ऊपर कुछ लिखा करते थे, तो उनके लिए ये प्रोविजन बनाई गई गई थी। तो वो है, वो इस पे ये बेंचेस पे बैठेंगे और वो उनका वो लिखने का काम करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है आगे। आगे और एक फिगर आप देख सकते हैं, ये हो गया इनका किचन। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे, मतलब ये हर्थ हो गए, यहाँ से कुछ फ्यूल डालते होंगे और यहाँ पे कुछ पकाते होंगे, तो ये हो गया किचन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर जो अभी देखा था वो जो स्ट्रक्चर, वहाँ पे यहीं पे कहीं पे वर्कशॉप एंड किचन है, और यहाँ पे है जो रॉयल सूट है। तो ये कैसा था अंदर से, तो ये ऐसा यहाँ पे कुछ अभी जैसे अपने जो किचन होते हैं और फिर चूल्हे वगैरह होते हैं, तो वैसा ही सेम कुछ ये स्ट्रक्चर था। और नीचे ये आप देख सकते हैं कि जैसे लैबोरेट्री वगैरह एंड बाथ वगैरह, तो वे कैसा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हो गई लैबोरेट्री, यहाँ पे कुछ ये रखा हुआ है, तो जैसे कि टिपिकल आजकल का जैसा आता है, तो सेम ही ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर था। तो और भी आप देख सकते हैं जहाँ, जैसे कि ये हो गया पेंटिंग, तो ये हो गया पेंटिंग ऑन दी वॉल। तो आप देख सकते हैं ये फिगर्स मतलब कैसे पेंट किए गए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये उसको ये स्पिंक्स है शायद से, ये डिफरेंट सारे यहाँ पे फिगर्स आप देख सकते हैं, कुछ आदमी है, कुछ औरतें हैं, और कुछ डिफरेंट टाइप के जो है एनिमल्स यहाँ पे, और डिफरेंट सीन्स भी यहाँ पे जो है वो पेंट किए गए हैं वॉल पे। चलो तो ये क्या दिखाया, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, चलो पढ़ते हैं ये क्या है। द पैलेस एट मारी ऑफ किंग जिम्रिलिम। नाम कैसा है देखिए इसका, जिम्रिलिम, जिम्रिलिम। तो मारी का, जैसे मारी बिस्किट तो आप सबको याद होगा राइट, मारी किसी को पसंद नहीं आता इतना, लेकिन चाय में डुबो के थोड़ा अच्छी टेस्ट लगती है इसकी। तो ये जो है वो वैसे आप याद रखिए मारी, और इनका जो किंग था उसका नाम था जिम्रिलिम। जिप 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 जिप, तो ऐसे आप इसको जिम्रिलिम इनका आप नाम याद रख सकते हैं। तो द ग्रेट पैलेस ऑफ मारी वॉज अ रेसिडेंस ऑफ रॉयल फैमिली। अच्छा, तो अभी हमने जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा वो क्या था, ये जो रॉयल फैमिली थी इनका ये रेसिडेंस था, द हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ये एडमिनिस्ट्रेशन का हब भी था, जैसे हमने अभी अभी देखा ऊपर की जो इसकी जो दूसरा पार्ट था ऊपर, तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पे कोर्ट भी था। तो ये हो गया हब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया, आगे है कि अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, तो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन भी था, जैसे कि किचन्स वगैरह हो गया, बाकी की भी चीज़ें हो गई, और फिर स्पेशली प्रेशियस मेटल्स एंड द ऑर्नामेंट्स। तो मेटल्स और ऑर्नामेंट्स भी यहाँ पे बनते थे, इसका भी ये प्रोडक्शन का प्लेस था। इट वॉज so famous in its time that a minor king came from North Syria just to see it. तो देखिए ये जो है ये पैलेस जो है इतना फेमस था उस टाइम पे कि जो छोटा किंग था, माइनर किंग था सीरिया का, वो ये बस इसको देखने के लिए वो आया था, कैरिंग विथ हिम अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन फ्रॉम अ रॉयल फ्रेंड ऑफ द किंग ऑफ द मारी, जिम्रिलिम। अच्छा, तो जो रॉयल किंग थे, जो जिम्रिलिम थे, उनके जो फ्रेंड थे उनसे वो लेटर कैरी करके फिर वो ये देखने के लिए, ये जो पैलेस है वो देखने के लिए वो आए थे, कौन, माइनर किंग फ्रॉम सीरिया। नाउ डेली लिस्ट रिवील दैट ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ फूड वेयर प्रेजेंटेड ईच डे फॉर अ किंग्स टेबल, फ्लोर, ब्रेड, मीट, फिश, फ्रूट, बियर एंड वाइन। ही प्रोबेबली एट इन द कंपनी ऑफ मेनी अदर्स इन और अराउंड कोर्टयार्ड 106 पेव्ड वाइड। यू विल नोटिस फ्रॉम द प्लान दैट द पैलेस हैड ओनली वन एंट्रेंस। अभी अभी हमने देखा था कि एक ही एंट्रेंस था उस पैलेस को, पूरे के पूरे पैलेस को ऑन द नॉर्थ। नाउ द लार्ज ओपन कोर्टयार्ड सच एज 131 वेयर ब्यूटिफुली पेव्ड एंड द किंग would have received foreign dignitaries and his own people in 132। हमने देख लिया अभी अभी ऊपर जो हमने फिगर देखी, कोर्टयार्ड जो देखा, तो अच्छे से उन्होंने पेविंग वगैरह यहाँ पे की हुई है। लेट मी शो इट टू यू दिस फिगर। तो ये हमने कोर्टयार्ड यहाँ पे हमने ये देख लिया, यहाँ पे पेविंग्स वगैरह आप देख सकते हैं अच्छे से, ये पेवर ब्लॉक्स वगैरह ये अच्छे से लगाए गए हैं, अच्छी फिनिशिंग भी वैसे काफ़ी अच्छी है वहाँ की। फिर आगे क्या है के अ रूम विथ पेंटिंग्स दैट वुड हैव आउट द विजिटर्स एंड द पैलेस वॉज अ स्प्रावलिंग स्ट्रक्चर विथ 260 रूम्स एंड कवर्ड एन एरिया ऑफ 2.4
4 हेक्टर. सो पूरा ये एरिया है 2.4 हेक्टर्स के एरिया में ये पूरा का पूरा जो पैलेस है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है. और अच्छे से मतलब वॉल के जो हमने ये पेंटिंग्स वगैरह देखी, तो ये भी ये वॉल पे वॉल के ऊपर ये पेंटिंग्स वहाँ पे बनाई गई थी उस पैलेस के वॉल्स के ऊपर. अच्छा, तो किंग्स ऑफ द मारी हाउएवर हैड टू बी विजिलेंट. Herders of various tribes were allowed to move into the kingdom, but they were watched. तो herders जो थे, हमने अभी अभी देखा, जो herders जो थे वो क्या करते थे, मतलब जैसे रेड वगैरह कर दी किसी के भी, मतलब खेत में अगर वो चारा चराने के लिए अगर उनके जो कैटल्स वगैरह है वो लेके गए, तो वो कभी कभी ऐसा भी करते थे, जो रेड्स वगैरह करते, तो वो उसको ना करे इसकी वजह से उनकी उनके ऊपर वॉच. दीज पीपल वर अंडर द सर्विलियंस. ओके, तो मतलब उनको उनको मतलब ऐसे स्पाइंग किया जाता था उनके ऊपर. तो द कैंप्स ऑफ द हर्डर्स आर मेंशन फ्रीक्वेंटली इन लेटर्स बिटवीन किंग्स एंड द ऑफिशियल्स. एंड इन वन लेटर एन ऑफिसर राइट्स टू द किंग दैट ही हैज बीन सीइंग फ्रीक्वेंट फायर सिग्नल्स एट नाइट सेंड बाय वन कैंप टू अनदर एंड ही सस्पेक्ट दैट अ रेड और एन अटैक इज बीइंग प्लान. देखिए, तो हमने अभी अभी देखा ये हर्डर्स जो लोग थे वो रेड वगैरह वो करते थे, तो उनके ऐसे सिग्नल्स थे, तो ऐसे कुछ लेटर्स में कुछ पाया गया है कि ये जो थे वो लोग हर्डर्स मतलब एक दूसरे को ऐसे आग जला दी ऐसे कुछ करके अटैक मतलब करने के लिए जो थे वो सिग्नल दिया करते थे. और ये जो थे वो जो स्पाइस थे उन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करके वो लेटर्स लिखे है किंग को. इसके मेंशंस हमें यहाँ पे मिलते हैं. लोकेटेड ऑन द यूफ्रेटस इन अ प्राइम पोजिशन फॉर ट्रेड इन वुड कॉपर टीन ऑयल वाइन एंड वेरियस अदर गुड्स दैट वेयर कैरिड इन बोट्स अलोंग द यूफ्रेटस बिटवीन द साउथ एंड द मिनरल रिच अपलैंड्स ऑफ द टर्की सीरिया लेबनन मारी इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन द ट्रेड. सो मारी बेसिकली क्या है, ये अच्छा एग्जाम्पल है अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन द ट्रेड का. मतलब जो है अर्बन सेंटर जो है वो प्रॉस्पर हो गया. किस वजह से प्रॉस्पर हो गया, पहले जो हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चरल वगैरह ये जो ये चीज़ें होती है इसकी वजह से कोई विलेज प्रॉस्पर होता है. तो ये जो मारी जो सिटी है ये किस वजह से प्रॉस्पर हुई है, ट्रेड की वजह से बेसिकली प्रॉस्पर हुई है. बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स वुड्स एंड वाइन एंड ऑयल जार्स वुड स्टॉप एट मारी ऑन देयर वे टू सदर्न सिटीज एंड ऑफिसेस ऑफ दिस टाउन वुड गो अब्रॉड इंस्पेक्ट द कार्गो एंड अ सिंगल रिवर बोट कुड होल्ड 300 wine jars and levy a charge of about one tenth value of the good before allowing the boat to continue downstream. अच्छा देखिए, ये जो है वो one tenth उनका जो चार्ज था वो मतलब जो जो बोट जो आगे ले जाने वाले हैं उनकी तरफ से, वो जो बोट वाले जो लोग हैं वो जो मतलब जो जो माल होगा उनका, वो जो ट्रेडिंग का जो सामान होगा वो आगे लेके जाने के लिए उनको परमिशन तभी दी जाती थी जब वो उसका 1/10 जो है वो मारी के जो मतलब जो टैक्स कलेक्टर से उनको वो पे करेंगे, तभी वो आगे ले जा सकते थे अपनी बोट्स को. बार्ले केम इन अ स्पेशल ग्रीन बोट्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट Tablets refer to the copper from Alashia, the island of the Cyprus known for its copper, and tin was also an item of trade. अच्छा, तो कॉपर एंड टीन जो है ये भी एक दो आइटम थे, मतलब ट्रेड इंक्लूड किया जाता था, मतलब ट्रेड में इंक्लूडेड थे ये दोनों के दोनों आइटम. जैसे कॉपर का भी ट्रेड करते थे, टीन का भी ट्रेड करते थे. एज अ ब्रॉन्ज वॉज द मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल फॉर टूल्स एंड द वेपन्स. तो ब्रॉन्ज कैसे बनता था, बेसिकली ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर और टीन तो लगता ही था ना इस वजह से, और फिर ब्रॉन्ज का यूज वेपन्स वगैरह बनाने के लिए होता था इस वजह से, इन दोनों चीजों का जैसे कॉपर और टीन का भी मतलब ट्रेड होता था. दिस ट्रेड वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड दस ऑल्दो द किंगडम ऑफ द मारी वॉज नॉट मिलिटरली स्ट्रॉन्ग दिस वॉज एक्सेप्शनली प्रॉस्परस. तो इस वजह से ये जो था वो एक्सेप्शनली प्रॉस्परस हो गया था बिकॉज इट हैज बिकम अ सेंटर ऑफ ट्रेड. आगे देखते हैं एक्सकैवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स. तो हमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, ऑब्वियसली ये जो टाउन होगा मेसोपोटामिया का ये एक्सकैवेट होने के बाद ही हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन
रिवील हुई होगी। तो चलिए देखते हैं टुडे मेसोपोटामियन एक्सकैवेटर हाउ मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी एंड क्लियर इन रिकॉर्डिंग दैट इन द ओल्ड डेज सो दैट फ्यू डिग ह्यूज एरिया द वे उर वाज एक्सकैवेटेड मोर ओवर फ्यू आर्कियोलॉजिस्ट हैव द फंड्स टू एम्प्लॉय लार्ज टीम ऑफ एक्सकैवेटर्स दस द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग डाटा हैज चेंज्ड। टेक अ स्मॉल टाउन एट अबू सालाबिक। अच्छा अबू सालाबिक का अगर ये टाउन का हम एग्जांपल लेते हैं अबाउट 10 हेक्टर्स एरिया एंड 2500 BCE विद द पॉपुलेशन लेस देन 10,000। तो अगर ये जो है ये एरिया जो है वो 10 हेक्टर का एरिया है और उसकी जो है वो पॉपुलेशन 10,000 से भी कम है। द आउटलाइन ऑफ द वॉल्स वेर एट फर्स्ट प्लेस बाय द स्क्रैपिंग सर्फेसेस एंड दिस इन्वॉल्व स्क्रैपिंग ऑफ द टॉप फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ द माउंड विद द शार्प एंड द वाइड एंड ऑफ द शॉवेल और अदर टूल एंड व्हाइल द सॉइल अंडरनीथ वाज स्टिल स्लाइटली मॉइस्ट द आर्कियोलॉजिस्ट कुड मेक आउट डिफरेंट कलर्स स्ट्रक्चर्स एंड लाइन ऑफ द ब्रिक वॉल्स और पीट्स और अदर फीचर्स। अ फ्यू हाउसेस दैट वी आर डिस्कवर्ड वी आर एक्सकैवेटेड एंड आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो सीव्ड थ्रू टन्स ऑफ द अर्थ टू रिकवर प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स एंड In the process, identified many species of plants and animals and found large quantities of charred fish bones that had been swept out onto the streets. Plant seeds and fibers remained after dung cakes had been burned as fuel and thus kitchens were identified. Living rooms were those with fewer traces because they found the teeth of very young pigs on the street. Archaeologists concluded that pigs must have been roamed freely here as in other Mesopotamian town. In fact, one house burial contained some pig bones. तो एक जो घर था वहाँ पे जो है वो pig bones मिले हैं. The dead person must have been given some pokes for his nourishment in the afterlife. So pokes दिया होगा जो है वो dead person जो है वहाँ पे जो bury किया है उसको after death या आफ्टर डेथ उसकी जो लाइफ होगी उसके मतलब उसकी जो है उसका नरिशमेंट के लिए जो है वो पिग मतलब पोक ऑफर किया होगा ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो मेड माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ रूम फ्लोर्स टू डिसाइड विच रूम इज अ हाउस वेयर रूफ विथ पॉपुलर लॉक्स पाम लीव्स स्ट्रॉज एट्सेट्रा एंड विच वेयर ओपन टू द स्काई। ओके सो दिस वॉज अबाउट दिस चैप्टर। ओके आगे क्या है तो सिटीज इन द मेसोपोटामियन कल्चर। सो कैसी थी सिटीज जो थी मेसोपोटामियन कल्चर की वो कैसी थी चलो देखते हैं। मेसोपोटामियन वैल्यू सिटी लाइफ इन विच पीपल ऑफ द मेनी कम्युनिटीज एंड कल्चर्ड लाइफ। तो यहाँ जो है वो बहुत ये जो सिटीज थी वहाँ पे जो मेनी मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज और कल्चर्स के लोग रहते थे। आफ्टर सिटीज वे आर डिस्ट्रॉयड इन वॉर दे रिकॉल देम इन द पोएट्री। ओके नाउ आगे क्या है कि द मोस्ट poignant reminder to us of the pride Mesopotamians took in their cities come at the end of the Gilgamesh epic। ये नाम आप याद रखिए Gilgamesh epic which was written on the 12 tablets। तो ये Gilgamesh epic जो है वो 12 tablets में लिखा गया है। Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk। तो ये जो Gilgamesh है उन्होंने भी क्या किया था इन्होंने रूल किया था सिटी ऑफ उरुक को समटाइम आफ्टर द अनमरकर। ये अनमरकर तो आपका नाम तो याद हो ही गया होगा ये जो है उरुक के जो किंग थे या रूलर थे और उनके बाद में बहुत टाइम बाद गिलमेश करके कोई रूलर थे वो ये उरुक की सिटी रूल करके गए। अ ग्रेट हीरो हु सब्ड्यूड पीपल फार एंड वाइड ही गॉट अ शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डाइड। सो अनमरकर जो है उनको जो है वो शॉक लगा जब इनको हीरोइक इनका जो हीरोइक फ्रेंड थे जब अब वो उनकी डेथ हो गई तब उनको शॉक लगा। ही देन सेट आउट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमोर्टेलिटी। तो उन्होंने क्या किया फिर जो उन्होंने जो इमोर्टेलिटी का अमरत्य कहते हैं ना तो उसका जो सीक्रेट है वो फाइंड आउट करने के लिए वो मतलब चल पड़े और क्रॉसिंग द वाटर्स दैट सराउंड द वर्ल्ड आफ्टर अ हीरोइक अटेम्प्ट गिलमेश फेल। तो गिलमेश जो है उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट किए ये सब इमोर्टेलिटी का मतलब जो राज है वो फाइंड आउट करने के लिए वगैरह लेकिन उनको कुछ मिला नहीं वो फेल हो गए एंड फिर बाद में वो अपने जो सिटी थी उरुक की वहाँ पे वो वापस आ गए। एंड देन व्हाट हैपेंड देयर ही कंसोल्ड हिमसेल्फ बाय वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल बैक एंड द फोर्थ। ही एडमायर द फाउंडेशंस मेड ऑफ फायर ब्रिक दैट ही हैड पुट इनटू प्लेस। It is on the city wall of Uruk
that the long tale of heroism and endure fizzle out. Now Gilgamesh does not say that even though he will die, his sons will outlive him. As a tribal hero would have done, he takes consolations in the city that his people had built. So this was about the Mesopotamian culture. Now something about the legacy of writing in Mesopotamia. So while moving narratives can be transmitted orally, science required written text that generations of scholars can read and build upon. Perhaps the greatest legacy of Mesopotamia to the world is its scholarity, tradition of time reckoning and mathematics. Dating about 1800 BCE are tablets with the multiplication and division tablets. अच्छा तो ये देखिए जो है ये जो tablets है उसके ऊपर जो है multiplication और division tablets है square and square root tables भी थे उसके ऊपर और tables of the compound interest वगैरह ये सारी चीजें उसके ऊपर थी तो उससे हमें ये मिलता है evidences मिलते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो ऑपरेशन में थी वहां पे द स्क्वायर रूट ऑफ द 2 वाज गिवन तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे दिया गया है उन टैबलेट्स पे जैसे कि ऐसा दिया गया है 1 + 24 / 60 + 51 / 60 स्क्वायर + 10 / 60 क्यूब तो ऐसे करके उसने उस जो टैबलेट्स है वहां पे तो ऐसे वो 2 का स्क्वायर रूट यहां पे वहां पे दिया गया है इफ you work this out, you will find that the answer is 1.414212 96. So 2 ka square root kitna ho gaya? Itna ho gaya. To ye agar aap calculate karenge, to iska jo answer agar aap find out karenge, to aapko ye answer milega. Or only slightly different from the correct answer. To ye correct answer jo hai 2 ka jo square root hai, ye hai 1.414241421356. तो मतलब ऑलमोस्ट ये वैल्यू जो है वो सेम ही है तो स्टूडेंट्स हैड टू सॉल्व प्रॉब्लम सच एज द फॉलोइंग अ फील्ड ऑफ एरिया सच एंड सच इज कवर्ड 1 फिंगर डीप इन वाटर फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर तो स्टूडेंट्स जो थे उस टाइम के तो उनको ऐसे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने पड़ते थे फिर द डिवीजन ऑफ द ईयर इनटू द 12 मंथ्स सो डिवीजन ऑफ द ईयर इनटू द 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ जैसे अभी ये जो हम कहते हैं ना कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं तो हमने ये कैसे मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि 12 ही मंथ्स होते हैं 13 क्यों नहीं होते या 11 क्यों नहीं होते तो इसका भी वहां पे उन्होंने जो है वो डिवीजन गिवन मतलब द डिवीजन ऑफ द ईयर इनटू द 12 मंथ्स वाज गिवन एंड दे हैव कैलकुलेटेड इट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मून मतलब जो चंद्र है तो चांद की जो रिवॉल्यूशन है अराउंड द अर्थ तो उसके बेसिस पे इन्होंने ये डिवीजन कैलकुलेट किया है और द डिवीजन ऑफ द मंथ इनटू द 4 वीक्स अभी मंथ की डिवीजन भी 4 वीक्स में है एंड द डे इनटू द 24 आवर्स एंड द आवर्स इनटू द 60 मिनट्स सो ये सारी जो डिवीजन है ऑल दैट वी टेक फ्रॉम For granted in our daily lives has come to us from the Mesopotamians. अच्छा तो हमें ये remember रखना है हमें ये मतलब ध्यान में रखना है कि ये जो हम मतलब we have taken it as a granted. We मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं है कि एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं या एक साल में 365 days ही क्यों होते हैं या 12 month ही क्यों होते हैं या 60 minutes ही क्यों होते हैं एक मतलब एक घंटे में ये हमने कभी सोचा ही नहीं हम बस हमने मतलब आँख ढक के हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों है तो ये जो calculations है ये हमें मिली है कहाँ से ये जो calculations है ये information हमें मिली है Mesopotamian से तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आगे पढ़ते हैं तो these time divisions were adopted by the successors of Alexander's and from there transmitted to the Roman world and then to the world of Islam तो फिर बाद में फिर Mesopotamians के जो ये calculations थे फिर बाद में ये Alexander ने adopt किए और फिर बाद में it got transmitted to the Roman world और फिर ये जो चीजें हैं वो Islam का जो world था उनको ये transmit हो गई और फिर जो medieval Europe था वहाँ पे भी ये सारी चीजें पहुँच गई धीरे धीरे whenever solar and the lunar eclipses were observed their occurrence solar matlab sun ka aur lunar matlab chand ka
Now, their occurrence was noted according to the year, month, and the day. So, two, there were records about the observed position of the star and constellations in the night sky. So, ye ho gaya iske bare mein. Abhi, none of these momentous Mesopotamian achievements would have been possible without writing. And the urban institution of schools, where students read copied earlier written tablets, and where some boys were trained to become note record keepers, not record keepers for the administration, but intellectuals who could build on the work of their predecessors. So we would be mistaken if we think that the preoccupation with the urban world of the Mesopotamia is a modern phenomenon. Let us look finally at two early attempts to locate and preserve the text and the tradition of the past, an early library. So, and in the Iron Age, the Assyrians of the so Assyrians jo the, unki language kaun si thi? Bataiye, bataiye, comment kijiye below. To kaun si language thi ye bhi bataiye. Or of the north created an empire at its height between 720 and 620 BCE that stretched as far west as Egypt. The state economy was now a predatory one, extracting labor and tribute in the form of food, animal, metal and craft items from a vast subject population. Now the great Assyrian king, who had been immigrant, acknowledged the southern region of Babylonia. Babylonia ka location humne pehle hi dekh liya hai map mein jab hum map study kar rahe the tab, as the center of high culture, and the last them Assurbanipal collected a library at his capital, Nineveh, in the north. He made great efforts to gather tablets on history, epics, omen, literature, astrology, hymns, and the poem. He sent his scribes south to find old tablets, because scribes in the south were trained to read and write in the schools, where they all had to copy tablets by dozens. There were towns in the Babylonia where huge collections of the tablets were recreated and acquired fame. And although Sumerian ceased to be spoken after about 1800 BCE, it is continued to be taught in the schools through vocabulary, text, sign list, bilingual, that is Sumerian, and the Akkadian tablets, etc. So even 650 BCE, cuneiform tablets written as far back as 2000 BCE were intelligible. And Assurbanipal's men knew where to look for early tablets or their copies. Copies were made of important texts such as the Epic of Gilgamesh, then the copier stating his name and writing the date. Some tablets ended with a reference to Assurbanipal. Assurbanipal, king of universe, king of Assyria, on whom the gods bestowed vast intelligence, who could acquire the recondite details of scholarly eruditions. I wrote down on tablet the wisdom of gods, and I checked and collated the tablets. I placed them for future in the library of temple of my god Nabu at Nineveh, for my life and the well-being of my soul, and to sustain the foundations of my royal throne. Ye jo hai wo message usne Assurbanipal ne likha hai. More important, there was a cataloging. A basket of tablet would have a clay label that read a number of tablets about exorcism written by ex Assurbanipal's library had a total of some 1000 texts amounting to about 30,000 tablets grouped according to the subjects. So with this, I think we came to an end of this chapter. Before ending, let's read this about something about the early archaeologists. So a man of the southern marshes, Nabopolassar, released Babylonia from Assyrian dominations in the 625 BCE, and his successors increased their territory and organized building projects at Babylon. From that time, even after the Achaemenids of the Iran conquered Babylon in 539 BCE, and until 331 BCE, when the Alexander
conquered Babylon. Babylon was a premier city of the world, more than 850 hectares with a triple wall, great palaces and temples, a ziggurat, a step towers and a processional ways to ritual centers. Its trading houses had widespread dealing and its mathematicians and astronomers made some new discoveries. Now, Nabonidus was a last ruler of independent Babylon. So, they may ask you in a question, who was the last ruler of the independent Babylon? He was the Nabonidus. He writes that the god of Ur came to him in a dream and ordered him to appoint a priestess to take charge of cult in the ancient town in the deep south. And he writes, because for a very long time, the office of high priestess had been forgotten. Her characteristics, features nowhere indicated. I bethought myself day after day. And then he says, he found the seal of a very early king whom we today date about 1150 BCE, and saw on that seal the carved image of the priestess. He observed the clothing and the jewelry that was depicted, and this is how he was able to dress his daughter for her consecration as a priestess. Now, on the other occasion, Nabonidus' men brought to him a broken statue inscribed with the name of Sargon, who was a king of Akkad. So, Nabonidus and indeed many intellectuals had heard of this king of remote times, and Nabonidus felt he had to repair the statue. Because of my reverence for the god and respect for kingship, he writes, I summoned skilled craftsmen and replaced the head. Okay, so with this we have come to an end of this chapter. So before ending, let's have a look at this timeline again. So let's have a look at, so what happened in the 7000 to 6000 BCE, beginning of the agriculture in the northern Mesopotamian plains. Aapko yaad hoga, humne dekha hai. सबसे पहले तो एग्रीकल्चर की स्टार्ट हो गई मेसोपोटामिया प्लेन में. फिर 5000 बीसी में क्या हुआ, अर्लीस्ट टेंपल्स इन द सदर्न मेसोपोटामिया बिल्ट हो गए. तो टेंपल्स में जो है वो स्टार्टिंग में हमने देखा था बहुत सारे सिंपल थे, फिर बाद में जो है वो देखते हैं आगे क्या क्या हुआ. फिर टेंपल्स में जो है वो बहुत सारे जो एक्टिविटीज थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज वगैरह या भुवन वगैरह, वो सारे टेंपल्स में होने लगे. फिर 3200 बीसी में क्या हुआ कि फर्स्ट राइटिंग इन द मेसोपोटामिया वर स्टार्टेड. देन 3000 बीसी में क्या हुआ, उरुक जो हमने देखा था उरुक का, तो ये जो है वो डेवलप हो गई ह्यूज सिटी में. एंड उसका जो इंक्रीजिंग यूज ऑफ द ब्रॉन्ज टूल भी बहुत, मतलब ब्रॉन्ज टूल का यूज था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया. आगे क्या हुआ, 2700 टू 250 टू 2500 बीसीई में अर्ली किंग्स इंक्लूडिंग पॉसिबली द लीजेंडरी रूलर गिलगमेश. गिलगमेश के बारे में भी हमने पढ़ लिया है. आगे देखते हैं 2600 बीसीई में क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट. हमने देखा टू मतलब लैंग्वेजेस थी, सुमेरियन लैंग्वेज थी और अकेडियन लैंग्वेजेस थी. तो जो है उन्होंने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज किया. फिर आगे 2400 में क्या हुआ, रिप्लेसमेंट ऑफ द सुमेरियन. तो आगे स्टार्टिंग में जो थी मेसोपोटामिया में सुमेरियन स्क्रिप्ट थी, असीरियन लोग जो है वो यूज करते थे. फिर ये सॉरी जो लैंग्वेज थी सुमेरियन लैंग्वेज थी, तो ये रिप्लेस हो गई अकेडियन से. फिर आगे क्या हुआ, 2370 BCE में क्या हुआ कि सार्गन हु वाज अ किंग ऑफ द अकाड बन गया. फिर आगे 2000 BCE में क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ द क्यूनिफॉर्म राइटिंग टू द सीरिया टर्की एंड इजिप्ट हो गया. फिर मारी एंड बेबीलोन इमर्ज एज अ इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर. हमने देखा था शायद, है ना, कि वो जो जो सीरिया का जो वो माइनर किंग था वो पैलेस वगैरह देखने के लिए आया था. तो ये सारी चीजें. फिर आगे देखते हैं 1800 BC में क्या हुआ कि मैथमेटिकल टेक्स्ट कंपोज एंड सुमेरियन नो लॉन्गर स्पोकन. तो सुमेरियन जो लैंग्वेज थी फिर बाद में नहीं स्पीक करते थे लोग, शायद वो अकाडियन जो लैंग्वेज थी वो स्पीक करने लगे और मैथमेटिकल टेक्स्ट जो थे वो भी कंपोज होने लगे 1800 BCE में. फिर 1100 BCE में क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द असीरियन किंगडम हो गया. फिर बाद में 1000 BCE में यूज ऑफ द आयरन स्टार्ट हो गया. फिर 722-610 BCE में क्या हुआ, असीरियन एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया. फिर आगे 668-627 में क्या हुआ, रूल ऑफ द असरबानीपल, जो इसकी हमने स्टोरी जो है अभी अभी पढ़ी है. फिर बाद में एकदम बाद में क्या हुआ, 331 BCE में अलेक्जेंडर ने जो है बेबीलोन कॉन्क्वर कर लिया. और फिर तभी हमने देखा ये टाइम का मतलब कैसे कैसे
जो एक साल में जो 12 मंथ वगैरह होते हैं और फिर एक मंथ में 4 वीक होते हैं, ये उसका मतलब एक दिन में 24 घंटे, सॉरी हाँ 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका सारा कैलकुलेशन जो है वो अभी अभी हमने देखा है और यही मतलब मेसोपोटामिया का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिए। और यही जैसे कि तैसे अलेक्जेंडर ने जो है मतलब फॉलो किया और फिर बाद में वो वहाँ से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। तो ये है। और फिर बाद में 1st सेंचुरी में क्या हुआ कि अकेडियन एंड द क्यूनिफॉर्न रिमेन्स इन द यूज़। तो 1st सेंचुरी में भी ये अकेडियन जो लैंग्वेज थी, अकेडियन लैंग्वेज जो थी, उसने इस लैंग्वेज को रिप्लेस किया था। बताइए बताइए, सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस किया। और फिर इसका स्क्रिप्ट जो था पहले से क्यूनिफॉर्म जो था वो तो मतलब कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू था वो यूज़ में था ही था। फिर बाद में 1850 में क्या हुआ, डिसिफरमेंट ऑफ दी क्यूनी फॉर्म स्क्रिप्ट, जो यूनिफॉर्म जो स्क्रिप्ट थी उसका वो कब डिसाइफर हुई, जो 1850 में डिसाइफर हुई। अच्छी बात है, ये लैंग्वेज 1850 में डिसाइफर हुई, लेकिन अभी तक जो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है वो अभी तक, इंडस स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली। सो ओके, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर वॉज लिटिल बिट लॉन्ग चैप्टर, तो जरा बड़ा वीडियो हो गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल वॉच दिस। इफ यू वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू फॉर वेरियस एग्जाम्स। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स, विद दोज हु कैंट अफोर्ड टू गो फॉर ट्यूशंस और कोचिंग्स। थैंक यू सो मच।